कम्युनिटी का क्या क्वेश्चन? एग्जामिन द चैलेंजेस टू सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। हाँ, तो चैलेंजेस बताने हैं सॉवरेनिटी के। मैंने बेसिकली जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया हल्का सा मैंने, बट फिर भी मेरा मतलब ट्राई ये किया था सॉवरेनिटी को डिफाइन करना, चैलेंजेस किस तरह से आए हैं, क्यों आए हैं, स्पेसिफिकली चैलेंजेस क्या हैं, और हल्का सा मैंने जो खत्म किया, कंक्लूड किया है, थोड़ा पॉजिटिव लाइन में किया है कि चैलेंजेस नहीं है, थोड़ा अच्छी बात भी है ग्लोबलाइजेशन, मतलब सॉरी वो जो कंटेम्प्रेरी टाइम में सॉवरेनिटी का जो रोल हो रखा है। तो शुरू करते हैं। तो सॉवरेनिटी का मैंने बता के रखा है कि सॉवरेनिटी का बेसिकली मीनिंग है कि स्टेट की सुप्रीम पावर, जिससे वो अपनी अथॉरिटी को एग्जर्ट करता है। अगर हम लीगली बात करें तो उसकी पावर में कोई वो नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा जो वो ऑर्डिनेंस एग्जर्ट कर रहा है, मतलब कि बेसिकली वो सबसे ज्यादा जो है अल्टीमेट पावर होगी। उसके अलावा वो जो है सॉवरेनिटी वो मोनोपोलाइज करता है पावर को यूजिंग द लेजिटिमेट फोर्स, मतलब कि फोर्स लेजिटिमेट होना चाहिए, ये बड़ा वो है एक पॉइंट इसमें। अगर हम ऑस्ट्रियन का व्यू देखें, एक स्कॉलर है जिसने सॉवरेनिटी का प्रॉपर डेफिनेशन दिया था, उसके मैंने बस एक पॉइंट डाल रखा है कि उसने ये बताया था कि डिबेट इन अ वे डिबेट्स कि सॉवरेनिटी एज अ परमानेंट एब्सोल्यूट यूनिवर्सल इनएलिनेबल एक्सक्लूसिव और इंडिविजिबल, ये सारे वर्ड्स उसने लिखे थे सॉवरेनिटी के लिए। ठीक है, अब आते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, सॉवरेनिटी का कैसे क्या चैलेंजेस है सॉवरेनिटी के। तो ग्लोबलाइजेशन के साथ जो है दो तरह के व्यूज हैं। एक तरफ के लोग कहते हैं कि भैया सॉवरेनिटी का वो है रिडंडेंसी हुआ है, उसका सॉवरेनिटी कम हुई है, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि भैया सॉवरेनिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो ये क्लेम करते हैं। अब दोनों व्यूज हैं, पर हमें चैलेंज के बारे में ज्यादा बताना है, तो चैलेंजेस के बारे में मैंने ज्यादा लिखा हुआ है। इसमें दो पर्सपेक्टिव है, ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है, जो सॉवरेनिटी का जब हम बात करते हैं ये ऊपर आना चाहिए था, मैंने गलती से नीचे लिख दिया। ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ये बोलता है कि भैया अथॉरिटी का कंट्रोल के बारे में बात करता है, जो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है सॉवरेनिटी का, और जो अभी का पर्सपेक्टिव है ग्लोबलाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि स्टेट कैसे जो है उसकी अपनी जो है क्या बोलते हैं अथॉरिटी को सरेंडर कर रहा है ट्रांसनेशनल और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के आगे, मतलब बेसिकली वो अथॉरिटी को एक्सचेंज कर रहा है एक्सटर्नल बेनिफिट्स के लिए, वो चाहे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन का एग्जाम्पल अगर दे दो तो। हाँ, मतलब स्पेसिफिकली अगर बात करूँ स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये, बेसिकली इनकी वजह से रिडक्शनिज्म हो रहा है सॉवरेनिटी का। जैसे थ्रेट्स आ रहे हैं, थ्रेट जो है बेसिकली इस फॉर्म में आ रहे हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लोज हो गए, एमएनसीज आ रहे हैं, अब हम देखते हैं कि एमएनसीज की वजह से कैसे जो हमारे रीजनल लॉस वो हो रहे हैं, मतलब कि इफेक्ट हो रहे हैं, या जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उनकी वजह से कैसे जो है स्टेट्स को अपनी वो मतलब पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना पड़ रहा है, तो एक तरह से वो भी सॉवरेनिटी का हरासमेंट है। और फाइनली ग्लोबल मीडिया चैनल्स हैं, जैसे अल जजीरा के आने की वजह से कैसे मिडिल ईस्ट में जो है अल जजीरा शायद कतर बेस्ड है ना, हाँ अल जजीरा कतर बेस्ड हो गया जैसे, तो उसकी वजह से कैसे मिडिल ईस्ट में जो है टसल्स और बाकी जो है सॉवरेनिटी का वायलेशन बोला जाता है कि अल जजीरा ने ऐसे बोल दिया हमारे बारे में, यमन हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, वैसे ही बोलते रहते हैं। और फाइनली एनजीओज, एनजीओज इन द सेंस बेसिकली आप थोड़ा एक बहुत बड़ा अमलेट हमें जो मैंने प्रॉपरली मेंशन नहीं किया गया है, एनजीओज के मेरे दो मीनिंग थे। पहला ह्यूमन राइट्स वाला, जैसे कैसे जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होने पे एमनेस्टी इंटरनेशनल के वो आती है रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, और कैसे उसकी उसकी वजह से जो है कंट्रीज को एक्शन लेने पड़ते हैं। और दूसरे एनजीओज हो गया इंटरनेशनल स्पेयर में, जो आपके वो हो गए मूवमेंट्स हो गए, चाहे वो एलजीबीटी मूवमेंट्स हो गए या बाकी हो गए, तो वो कहीं ना कहीं कोई एनजीओज के थ्रू जो है वो परपेचुएट होते ही होते हैं। यही बोला अगर हम वो देखें जो एनजीओ को नहीं बोलेंगे एनपीओ बोलेंगे एक तरह से, जो यूएसए की कुछ वो नहीं है रिफ्यूजी या ये सारी वो डालते रिलीजियस वाली कुछ रिपोर्ट निकालते हैं लोग कि इंडिया में रिलीजियस वो फ्रीडम इतना है, तो उसकी वजह से कैसे जो है हम लोग भी हल्ला करते हैं कि तुम हमारे बारे में क्यों निकाल रहे हो, तो एक तरह से ये। दूसरा आता है ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, इसमें आशंका का एग्जाम्पल होता है कि यूरोपियन यूनियन ज्यादा प्रोमिनेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है सुपरनेशनल सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आता है, ये मैंने प्रॉपर मेंशन नहीं किया, थोड़ा नोट्स फॉर्म में डाल दिया। यहाँ पे फाइनली आगे जाके वे फॉर्म में एंड्रयू लिंकेटर वाला आएगा, कैसे वो बोलता है कि भैया जो ग्लोबलाइजेशन का ट्रू फॉर्म तभी आएगा जब एक बाउंड्रीलेस जो है आपका कॉन्टैक्ट हो, तो अगर वो बात करता है तो उसको जो है हमें सॉवरेनिटी के चैलेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना पड़ेगा एंड्रयू लिंकेटर के पॉइंट को। फाइनली आता है जो ग्रोइंग चैलेंज है, चाहे वो टेररिज्म के फॉर्म में हो, चाहे एथनो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के फॉर्म में हो, जैसे अगर हम वहाँ देखते हैं आपका ये फलस्तीन और इसराइल में, उसके अलावा सोफिस्टिकेटेड वेपनरी जो आपका सीरिया में देखते हैं हम, खासकर सीरिया में या आपका टर्की के बॉर्डर्स में हो गए, जो खुर्द हो गए या ये सारे जो वो हो गए इनको मतलब ये सपोर्ट वगैरह मिलता है, तो बेसिकली इनकी वजह से जो है देयर इज अ नीड टू रिथिंक वॉर एंड पीस बियॉन्ड वेस्टफेलियन ऑर्डर। वेस्टफेलियन ऑर्डर तो वही होगी कैसे जो स्टेट्स आपस में वो करेंगे रिएक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे, लेकिन अभी के टाइम में स्टेट्स के बाहर जो है एक तरह का प्रॉक्सी वॉरफेयर या फिर जो है ये आपका सोफिस्टिकेटेड वेपनरी का वॉरफेयर चल रहा है, जो या तो यूएस बेस्ड है, यूएसआर बेस्ड है, और मल्टीलेटरल अलायंसेज है, और क्लियर कुछ नहीं है।
फाइनली मार्क्सिस्ट क्लेम करते हैं कि भैया सॉवरेनिटी का फेलियर हुआ है थर्ड वर्ल्ड में, उसमें वही थ्योरीज आ गई मतलब मॉनेस्ट्री वाली, और आपकी एक और थी रॉबर्ट कॉक्स, हाँ रॉबर्ट कॉक्स वाली थ्योरी शायद वही था जो मार्क्सिज्म वाले में बोलता है। बाकी उसके अलावा अगर इसको पॉजिटिव सेंस में देखा तो बिल वेलिंग के नाम से भी कैसे जो है उसकी वजह से सॉवरेनिटी इंक्रीज हुई है कि वेलफेयर बढ़ा है, तो फाइनली जो स्टेट्स ने भी वो करी है प्रगति करी है। तो मैंने आखिरी में जो इनका कंक्लूजन डाल रखा है, मैंने प्रॉपरली कंक्लूजन क्वेश्चन का नहीं हो, मैंने थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में डाल दिया। जैसे एक रियलिस्ट है स्टीवन डी क्रासमैन करके, उसने बेसिकली कहा था कि आप कितना भी ये सारे ग्लोबलाइजेशन में कितना भी जो है आपके ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन प्रोमिनेंट हो जाएं, लेकिन अल्टीमेटली स्टेट का जो रोल है वो क्रूशियल रहता ही रहता है। इसमें एक और पॉइंट आस्ट करना, वो भी मैं डालना भूल गया, स्कूल वाला कैसे वो बोलते हैं कि भैया एक तरफ आपका स्टेट है जिसका डोमिनेंस है, एक तरफ जो है सुपर नेशनल या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है या ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन है, और एक तरफ जो है हेल्डीबुल का जो वो है मतलब ये इंग्लिश स्कूल वाला जो है, कि इन दोनों का एक कन्फ्लुएंस हो सकता है जिसकी वजह से एक प्रॉपरली जो है अच्छा वर्ल्ड ऑर्डर चल सकता है, पर वो थोड़ा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट था इसलिए मैंने डाला नहीं। वो फाइनली ग्लोबलाइजेशन और सॉवरिटी जो है दे आर नॉट लॉक इन द जीरो सम गेम, कि भैया ऐसा नहीं कि एक का फायदा होगा दूसरे का लॉस होगा, दोनों साथ में जो है प्रिवेल कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा ये है कि पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल प्रोसेस सबसे ज्यादा ग्लोबलाइज हुआ है वो खुद सॉवरिटी है। एट प्रेजेंट 200 से ज्यादा सॉवरन कंट्रीज जो है इंडिया सॉरी ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं डिकॉलोनाइजेशन के बाद। तो मैंने ऐसे में खत्म कर रखा है, कंक्लूजन सॉलिड नहीं है और अच्छा हो सकता था। अब बताओ ठीक है यार, काफी होलिस्टिक लग रहा आंसर था। मतलब वही स्ट्रक्चर ढंग से नहीं कर रहा है, मतलब मैंने ऊपर नीचे लिख दिया आंसर काफी ज्यादा, और स्कॉलर्स मैंने बिल्कुल मेंशन नहीं करे, एक दो फालतू मतलब फालतू ज्यादा डाले हैं ठीक है वो, बट और आ सकते हैं इसमें। बाकी लोग क्या व्यू है? अनिल सचिन शिवानी ऐशानी वरुण नवनीत का पढ़ा है क्या? है और नवनीत का आंसर मैंने पढ़ा नहीं यार, मैं वही मीट था शाम को इंडस्ट्री वाला तो मैंने देखा नहीं, मैं खोल दे इसको देख लेंगे। मेरा खोल दिया मिर्जा संजय, मैंने अरे वो खुल रहा है, टाइम लग रहा है। पढ़ी सुना था उसका, मेरे पे खुल गया। सॉवरेनिटी हाँ इज अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय हॉब्स, ही हेल्ड दैट द सॉवरेन फंक्शंस ऑफ द स्टेट कांट बी चैलेंज्ड, स्टेट इज द सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी एंड इट हैज पावर टू पनिश। इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड द सॉवरेन फंक्शंस ऑफ द स्टेट इज रूइंड बाय द न्यू लिबरल इकोनॉमिक मॉडल, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंटरकनेक्टेडनेस इंक्रीज गिविंग इट अ सुपरा नेशनल आइडेंटिटी लाइक ऑफ यूरोपियन यूनियन। प्लूरलिस्ट लाइक लास्की ऑल्सो कॉल्स फॉर इंटरनेशनलिज्म एंड ब्रेकिंग ऑफ द बाउंड्री। दिस न्यू लिबरल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हेल्प कंट्री टू वर्क फॉर अ ग्लोबल कॉमन इंस्टेड हैविंग अ नैरो टेरिटोरियल आइडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक नेटो ब्रिक्स यूरोपियन यूनियन एंड एटसेट्रा ब्रिंगिंग कुछ लिखा है इसने द सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट इट इज अनेबल टू। अरे तू पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ रहा, मतलब इसकी राइटिंग खतरनाक है यार। ठीक है, स्टेट इज अनेबल टू टेक अ यूनिलेटरल एक्शन, दे आर फाउंड, दे आर बाउंड बाय सम एलिगेशन रिजल्टिंग इन टू इंस्टीट्यूशनल लॉस ऑफ इट सिटीजन। यार क्या लिखा, एक तो रेजोल्यूशन भी सही नहीं है इसका। ब्रेकिंग ऑब्लिगेशन डाउन ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन रिजल्टिंग इन टू इंस्टीट्यूशनल, प्रस्टेशनल तो नहीं है ये, ऑपरेशनल लॉस ऑफ इतने सर्विस। ठीक है, लग तो वही रहा है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन एंड इट्स बॉडी कंडक्ट कंसिस्टेंटली हेल्प टू प्रमोट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट लॉस देयर आइडेंटिटी इन द ल्यू ऑफ
fear and thus hampering the growth of development. Okay. Besides globalization, UN refugee policy, climate change action plan, and multilateral binding agreement reach the specific function of the state. However, human state is free to decide its fate, but it really became hard to go alone. Internationalist pluralists like Leschi sees it good time to and the global challenges like the terrorism, climate change, and other. Yeah. आई पॉइंट सारे इसी में ही हैं, नीलेश वाले आंसर में है। किसी को कोई और ऐड करना तो बता दो यार। चैलेंजेस टू सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, कोई और पॉइंट है किसी के पास? ठीक है यार, कुछ इंटरनल चैलेंजेस वगैरह ऐड कर सकते थे क्या, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन वाला तो जो पॉइंट है, इंटरनल चैलेंजेस जो है वो तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी ग्लोबलाइजेशन पे ही है, तो उस पर भी कवर होगा वो। मतलब जैसे इसमें इंटरनल चैलेंजेस टू सोवरेनिटी टाइप भी ऐड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने जो नीले पॉइंट्स देखे वो एक्सटर्नल चैलेंजेस के हिसाब से तो अच्छे पॉइंट्स हैं। करेक्ट, उसमें कुछ इंटरनल चैलेंजेस के भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं। आई थिंक वो इंटरनल सिक्योरिटी डायलेमा, वो सारे पॉइंट्स कहना चाह रहा है। हाँ, मतलब जो इवन जैसे प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ सोवरेनिटी जो कहता है, मतलब वही बात करता है ना, एक तरफ वो कहते हैं कि आपका जो मतलब कॉन्ट्रडिक्शन उनकी बातों में जो एक तरफ ठीक हो सकता है सॉवरेनिटी का, एक तरफ वो बोलते हैं कि भैया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और ऑटोनॉमी होना चाहिए एसोसिएशन में, एट द सेम टाइम वो कहते हैं कि स्टेट का बहुत ही ज्यादा डोमिनेट रोल होना चाहिए। मतलब थोड़ा वो हो गया, मतलब दोनों साइड वाला, तो ये भी चैलेंज में आ सकता है। एक तरफ तो जो प्लूरलिस्ट व्यू ऑफ सॉवरेनिटी का है, इसमें पहले वो लिख के, एक तरफ वो कह रहे हैं कि भैया पावर ऑटोनॉमी को डिसेंट्रलाइज करो, बाकी एसोसिएशन ग्रुप को ज्यादा पावर दो ताकि अच्छे से वो हो, क्या बोलते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क या जो भी वो अच्छे से हो। लेकिन एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं कि भैया इनका जो रोल हो रहा है उसमें स्टेट का रोल बहुत ज्यादा क्रूशल है इन सबके रोल में, लेकिन वो ओवरराइड नहीं कर सकता है इनके रोल को। मतलब ये जैसे कह रहे हैं ना इंटरनल चैलेंजेस, और क्या हो सकते हैं इसके अंदर? हाँ, तो मतलब वही पॉइंट वही था कि जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह की सोवरेंटी होती है ना, तो एक्सटर्नल सोवरेंटी पे चैलेंजेस तो वो पॉइंट्स कवर किए हैं। इंटरनल सोवरेंटी में लास्की का पॉइंट जो उन्होंने बोला कि जैसे क्या था उनके दो पॉइंट्स क्या थे लास्की के, फेडरल स्ट्रक्चर के कारण, और शायद दूसरा एक और बोल सकते हैं कि जो सिविल सोसाइटी और जो मतलब डिस्पर्स्ड है पावर, मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर है, एक सिंगल सेंटर ऑफ पावर नहीं है। तो पॉलीआर्की जो डेल वाला आइडिया है, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछा चैलेंजेस टू सोवरेनिटी ऑफ स्टेट, तो वैसा बोल सकते हैं। बाकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड कह रहा है तो उसमें हमें फिर एग्जाम्पल्स वगैरह डालने पड़ेंगे। लास्की का जब वो फेडरल स्टेट फेडरल है तो सोवरेनिटी भी फेडरल होनी चाहिए, ऐसा कुछ है। हाँ राइट राइट, वही मेरे को स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा है। हाँ, उसका भी और मैकाइवर का भी, मैकाइवर का सर्विस स्टेट वाला। और वो वाला भी है कि ऑब्लिगेशंस वाला भी है, मैन का ऑब्लिगेशन, क्योंकि सारी नीड्स ऑफ स्टेट फुलफिल नहीं करता है एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, तो मोनोपोली नहीं होनी चाहिए मैन के ऑब्लिगेशन में। बाकी इंस्टीट्यूशंस या एसोसिएशन है जो मैन की नीड फुलफिल करती है, उसमें भी उनका शेयर रहता है मैन के ऑब्लिगेशन में, ऐसा कुछ लास्टली कह दो। कंक्लूजन में आई थिंक उसी से ही कर सकते हैं कि भले ही का रोल डिवाइडेड हो चुका है, बट अभी भी स्टिल कीस्टोन है वो स्टेट ही है। अगर कंक्लूजन में डालना हो तो लेस्की का ये कमेंट भी डाल सकते हैं, बाकी आई थिंक नीलेश का जो कंक्लूजन है वो भी अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड कमेंट ऑन जो क्या, हाँ जी, थॉमसन वाला जो है अभी मतलब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कोविड और वो सब चल रहा है,
उसमें देखते थे वापस क्या मतलब वापस आ गया स्टेटस, कुछ ना स्टेटस बैक ऐसा कुछ था ना। आईडिया नहीं यार, कमेंट में डाल देना उसका कुछ है तो ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट ऑन द वर्थ ऑफ अ स्टेट इज वर्थ ऑफ इंडिविजुअल कंपोजिंग इट। जेस्मिन समीप, समीप हाँ हाँ भाई। हाँ थर्ड वाला था। थर्ड में यार बेसिकली उसको मैंने वैसे ही इंटरप्रेट किया कि जैसे लिबरल पर्सपेक्टिव दिया है स्टेट का जेएस मिल ने, तो उसी से इंट्रोड्यूस किया मैंने लिबरल कंसेप्शन ऑफ स्टेट है। फिर उसकी बुक में जैसे ये टॉक्ड अबाउट हाउ इंडिविजुअल लिबर्टी और रोल ऑफ स्टेट को एग्जॉस्टिवली डील किया उसने। देन आई हैव मेंशन लाइक इफ देयर इज एनीवन हु इज लिबरल इट्स मिल। ये एम्फेसाइज ऑन लिबर्टी एज अ फंडामेंटल प्रीरिक्विजिट फॉर लीडिंग अ गुड वर्थी एंड डिग्निफाइड लाइफ। एसेंशियली वो इस स्टेटमेंट का कॉमेंट जो मैंने इंटरप्रेट किया उसको वैसा था कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो उन जैसे वो डेवलपमेंटल इंडिविजुअलिज्म की बात करता था, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी की बात करता था। तो वो कहता था कि इंडिविजुअल को अगर आप डेवलप करोगे तो दैट विल ऑल्सो इंक्रीज द वर्थ ऑफ द स्टेट। तो उसका उसके अकॉर्डिंगली उसने फिर बताया था कि कैसे, तो इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए लिबर्टी चाहिए। अब जहाँ लिबर्टी का क्वेश्चन आता है वहाँ स्टेट का रोल आता है। तो मैंने ऐसे करके उसको स्टेट के रोल पे लाके लाइक रिलेट किया उसको, तो लिबर्टी वाले पॉइंट्स भी ले गया वापस से। फिर स्टेट विच ड्वार्फ्स इट्स मैन करके एक कोट था उनका, मेरे को एग्जैक्टली कोट याद नहीं आ रहा था वो, तो पूरा मैंने नहीं लिखा। फिर इट एग्जाम्पलीफाइज इज बिलीफ इन डेवलपमेंटल इंडिविजुअलिज्म दैट फोकसेस ऑन ह्यूमन फ्लरिशिंग। फिर मैंने रोल ऑफ स्टेट एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल उसको एक्सपैंड किया। उसमें दो एस्पेक्ट्स थे, एक तो था कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन, और दूसरा था फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में स्टेट का वो बोलता है कि एक पार्शियल इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट है कि फॉर एग्जाम्पल अदर रिगार्डिंग एक्शन में स्टेट कैन इंटरफेयर, और बाकी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में देर शुड बी एब्सोल्यूट लिबर्टी। तो और दूसरा जो पॉइंट है वो है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। इसमें लास्टी का पॉइंट था कि देर शुड बी एब्सोल्यूट फ्रीडम, एकदम ही नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए स्टेट का। तो वहाँ पे उसने बताया कि, और फिर वही है कि ओनली इन अ फ्री मार्केट, उसने जस्टिफाई किया कि क्यों फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट आई हैव टेकन इट टू वर्थ ऑफ अ स्टेट इज डिटरमिन्ड बाय वर्थ ऑफ इट्स इंडिविजुअल्स हु मस्ट बी प्रोवाइड लिबर्टी टू परस्यू देयर ओन गुड इन देयर ओन वे। ये एक उसका था कि देर शुड बी लिबर्टी होनी चाहिए सो दैट दे कैन परस्यू देयर ओन गुड इन देयर ओन वे। तो मैंने अल्टीमेटली पूरे आंसर में ही उसको इंडिविजुअल के आसपास ही रखा हुआ है कि हाउ इंडिविजुअल फ्लरिशिंग लीड्स टू बेटर स्टेट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट इन इंश्योरिंग दैट द इंडिविजुअल फ्लरिशेस। उसमें फिर उसका एक और कॉन्सेप्ट है मिलकर डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी का। तो जहाँ वो इंडिविजुअल की बात करता है तो इंडिविजुअल लिबर्टी को जस्टिफाई करता है, और लिबर्टी का उसका कहना है कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन जो है वो एक डेवलपमेंट सॉरी डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। तो इसके लिए फिर उसने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी जस्टिफाई किया। उसमें उसने एक चीज़ बोली थी कि इट प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एंड इन टर्न इट कुड डेवलप एनरिच एंड एक्सपैंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इन इट्स फुलनेस। फिर वही वेपर और बारकर का क्रिटिसिज्म दिया है। एंड देन फाइनली आई हैव कंक्लूडेड विथ कि इनकंसिस्टेंसी है वो जो क्रिटिसिज्म बोल रहा है कि उसमें रिलक्टेंट डेमोक्रेट है या प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी है। तो दैट इनकंसिस्टेंसी अराइजेस बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही स्टैंडिंग एट क्रॉस रोड्स ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न लिबरलिज्म। एंड देन वी फाइंड पैरेलल्स ऑफ मिल्स आइडिया इन कंटेम्प्रेरी थिंकर्स लाइक अमर्त्य सेन हु हैज एडवोकेटेड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट बेस्ड अप्रोच टू नेशंस ग्रोथ। तो मतलब मेरा इंटरप्रिटेशन तो ऐसे ही रहा कि वो इंडिविजुअल के थ्रू स्टेट की वैल्यू जस्टिफाई कर रहा है, और कैसे लाइक स्टेट को का रोल क्या होगा वहां पे, उस तरह से मैंने लिया था उसको। पता नहीं मेरे को, तुम लोग देख लो एक बार मतलब इंटरप्रिटेशन कैसा रहेगा। सही लग रहा है। आई थिंक थोड़ा सा ये रिलेक्टेंट डेमोक्रेट वाला पार्ट था ना यहाँ पे, जो इंडिया को लेके जो व्यू था या फिर थर्ड वर्ल्ड को जो लेके व्यू था, इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर सकते थे अपन, तो थोड़ा सा वो चीज़ पता लग जाता कि कैसे वो कुछ कंट्रीज में नहीं फैलाना चाह रहा था उस चीज को, कैसे
कैसे उसे इंडिविजुअल से लिंक करा था कि, क्योंकि वहां पे लोग बारबेरियन है और पॉइंट्स के मतलब थोड़ा और एम्फेसिस होता था आई थिंक, सही रहता। बाकी तो उसका कवर किया है। बाकी हाँ तो मतलब अपने जैसे मैंने उसको जैसे क्रिटिसिज्म में ही डाला था, तो इसलिए मैंने फिर उसका मतलब ज़्यादा उसको जगह भी नहीं दी है फिर। तो वैसा मतलब मेरे ख्याल से इंटरप्रिटेशन सही है कि नहीं है, मतलब इंडिविजुअल्स लिबर्टी और इंडिविजुअल के आसपास ही घूम रहा है ना वो, हाँ वो तो सही लग रहा कि मतलब मैंने है। उसका क्योंकि थ्योरी ऑफ स्टेट का में क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने फिर उसको ज़बरदस्ती थोड़ा सा वो सब डाला कि स्टेट का क्या रोल होगा करके। इसमें वो प्लेटो का व्यू भी यूज कर सकते हैं क्या कि स्टेट इज इंडिविजुअल एट लार्ज, तो जो प्रिंसिपल्स इंडिविजुअल लेवल पर हैं वो स्टेट लेवल पर मतलब रिप्रेजेंट होते हैं। कह तो सकते हैं मतलब जैसे, लेकिन प्लेटो पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं, बाकी लोग ही बोले तो बेटर है मतलब नहीं वो मतलब ओपन वोट द तो क्वेश्चन सही है जैसे वो। अपन लाइक पूरा क्वेश्चन में अपन मिल मिल बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा बता सकते हैं कि ये व्यू यहाँ से भी मैच करता है, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मिल ही बोलता है, राइट स्टेटमेंट राइट, का कुछ मीन है मतलब ऐसा। कंपैरिजन कंपैरिजन एक आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। नेहरू का भी डाल सकते हैं जो उन्होंने बोला था ना कि समथिंग कुछ कोट था उनका, नेहरू का आई थिंक स्टेटेक्स भी कोट। उनका शायद यही था ना, नो कंट्री कैन बिकम ग्रेट बाय ड्वार्फिंग इट्स ओन पीपल। ये नेहरू का नहीं था आई थिंक, ये ये तो आई थिंक हिंदी लास्ट ईयर का का शायद है था। पीपल शायद, ये भी जेएस मिल का ही है। मतलब आई थिंक ये शायद लास्ट ही का है मुझे लगता मैम ने तो इसका ही लिखा रखा है, है। हाँ तब मे बी इनका ही होगा फिर। हाँ हाँ वो उनका क्योंकि शायद लास्ट ही का एक और वो है कि स्टेट आर नोन बाय इट्स लाइक राइट्स इट मेंटेन बाय सिटीजंस ऐसा वाला। और वो नेहरू का भी कुछ है कि इफ लाइक इफ स्टेट विल डाई हु विल सर्वाइव समथिंग करके कुछ करेक्ट है। हाँ हो गया। हाँ और इसमें इसका मुझे लगता है एज अ मतलब कोर्ट का ही क्रिटिसिज्म भी दे सकते हैं कि मतलब सिर्फ अकेले इंडिविजुअली मैटर नहीं करता है, जैसे उन्होंने दिया था कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव के जो सोसाइटी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है रदर देन इंडिविजुअल, तो उन्होंने मिल को पजेसिव इंडिविजुअलिस्ट बोला था, तो उसको भी एज अ क्रिटिसिज्म मतलब कोर्ट के में डाल सकते हैं। यस यस सही पॉइंट है। और कोई पॉइंट किसी का इस पे? हाँ करता संजय इस वाले का तीसरे का जो आंसर है ना जो लिखा नहीं है शायद, अच्छा अभी कौन सा है फोर्थ वाला? फोर्थ वाला नहीं लिखा, नहीं फोर्थ मेरा हाँ है उसका, उसका आई एम राइटिंग उसका लिखा एक है मैंने। मैंने दूसरा ग्रुप नहीं है जो इसी का जो सब्सिडरी ग्रुप है पीछे है ना मैक में, जो इसका ग्रुप है एक पीएसआई हमारा पीएसआर वाला, हाँ उसमें मैंने एक आंसर वो करा है मार्क कर रखा उसमें मैंने पहले आर्ट्स नाम का, उसे एक बार देख लो। हाँ ये वाला अरे मेरा आंसर है, मैं देता हूँ जस्ट गिव मी 5 मिनट, तुम तब तक कुछ और डिस्कस करो क्वेश्चन। ठीक है ठीक नहीं, है मैंने वैसे इस पे कर लिया, मैंने प्रिपेयर कर लिया वैसे, पॉलिटिकल ऑब्जेक्शन की बात यही कर रहा है वो बेसिकली, इसमें आगे बढ़ना है इसको, इसको करना है पहले। हाँ ये इसने लिखा है शानू ने ना इस पे, तो वो कह रहा लिखा लिखा पानी अपलोड करने पे, तुम शानू अपलोड करते फिर बाद ठीक में कर लेंगे, ठीक है आगे बढ़ लो। है नेक्स्ट कमेंट विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट वरुण एन वरुण। हाँ वरुण बोलोगे क्या इस पे? वरुण मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन वॉज कॉमेंट विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट टी एच ग्रीन हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म बिलीव दैट फ्रीडम इज वेन मैन डज थिंग वर्थ डूइंग। यू ऑब्जर्व दैट सोशल प्रॉब्लम्स लिंक मॉरल जस्टिस विद इकोनॉमिक इनजस्टिस, पॉवर्टी मेक पीपल इमोरल, हेंस फाइट फॉर पॉवर्टी मेक्स पीपल मॉरल। जॉन ऑस्टिन हु गिव द सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट गिव मोनिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट। ग्रीन हु इज एन ऑर्गेनिक थ्योरिस्ट बिलीव दैट स्टेट इज नेचुरल, एम्फेसिस
emphasized that state has to find method for two ground of obedience. In his work, Political Obligation, state should not use coercion, but must find a method to consent by Gramsci method of hegemony to make state a capacity maximizer. P.B. McPherson. State holds rights which are must for its delivery, according to Nozick. Entitlement theory, hence life, liberty and property. Green focus on human consciousness to shape liberty and to use it to fullest, which came close to Amartya Sen's capacity development. Green looks state from idealist point of view, where state is never absolute. Example, it is not end but means to achieve the end, which comes close to Gandhi's Swaraj. Rousseau, who proposes general will of all and sovereignty of people is supreme, gives the concept of force to use general will, not consent. Hence T.H. Green gave ideal outlook where men, by becoming rational, by exercising liberty to development himself, then should willfully obey the state. Hence, it is state responsibility to end poverty, hunger, etc. तो थोड़ा मतलब ऐसा कोई लिंकेज बन नहीं रहा इसमें तो ठीक है, आई थिंक वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं इसको. मतलब ये इस क्वेश्चन में जो एक्चुअल डिबेट है वो ये है ना कि फोर्स थ्योरी वर्सेस कंसेंट ऑफ सिटीजन और कंसेंट ऑफ पीपल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट. वो जनरल विल वाला जो आगे कौन सा शायद. हाँ, तो मतलब इन्होंने एग्जांपल के साथ बहुत सारी बातें करी है, मतलब ये डेवलपमेंट कैपेसिटी इन सब, लेकिन मेन डिबेट उसको जरूर मेंशन करना चाहिए था ना. आई थिंक ये जो लेजिटिमेसी और वो वाला डिबेट था ना, डोमिनेशन वाला, वो कहीं ना कहीं आना चाहिए, क्योंकि लेजिटिमेसी में ये होता है कि विल ऑफ द पीपल मैटर करता है. राइट, वही जैसे कंसेंट रहेगा तो लेजिटिमेसी रहेगी, वरना अदरवाइज फोर्स्ड वो डोमिनेशन टाइप रहेगा. मतलब वो एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहा है कि ऑन अ वन हैंड दिस फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट एंड देन द सेकंड पार्ट शुड डील विद विल इज द बेसिस ऑफ स्टेट. उसमें ऐसे करके क्रिटिसाइज करना रहेगा कि व्हाई फोर्स इज नॉट द बेसिस ऑफ स्टेट. एंड आई थिंक ये जो सीबी मैकफर्सन वाला है, मतलब आई डोंट नो, लेकिन मुझे रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि उन्होंने तो नेगेटिव एस्पेक्ट में दिया था ना उसका. ये तो आई डोंट नो, मतलब और कोई बोले इस पे, बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में आएगा. एक पर्सन ने हॉब को क्रिटिसाइज किया था ना कि एब्सोल्यूटिज्म के ऊपर. अच्छा, एक बात बताओ, इस वाले क्वेश्चन में अगर हम वैसे ही रूसो के इसमें उसको जनरल विल को एक्सप्लेन करते हो, अगर हम सॉवरेन को एक्सप्लेन कर ले तो वो अप्रोच सही रहेगा इसमें? मैंने बता देता हूँ किस तरह से. जैसे हम बात करते ना कि उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, उसमें बोलता है कि ये वो एज्यूम करता है कि मैन आर मोरली गुड, तो बेसिकली वो नॉर्मेटिव व्यू लेता है कि लोग या तो जस्ट है अनजस्ट है, इसके बेसिस में जो है आप सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, वो कंसेंट के साथ जो है अपने सारे राइट्स को सरेंडर कर देते हैं और फाइनली जो है कॉमन इंटरेस्ट या ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए जो है लोग एक उसमें आते हैं, सोशल कॉन्टैक्ट में आते हैं. तो यहाँ पे मतलब जो मोरल एटीट्यूड है सिटीजन का, वो एक तरह से जस्ट वे में एक्ट करने का होता है. ठीक है, और फाइनली अगर इसको जब आगे बात करें तो इसमें दो चीज होती है. अगर हम विल की बात करते हैं, मैं अगर अभी सॉवरेन वाले में भी आ रहा हूँ, अगर विल की बात करें तो विल दो तरह के होता है. अगर मान लो किसी का जो विल है वो कंफ्लिक्ट कर रहा है मेजोरिटी के विल से, तो मेजोरिटी उसके विल को सप्रेस कर सकता है, गिवन की जो डिफरेंस हो वो अगेन जनरल विल को फॉर्म करता हो. और सेकेंडली कि जो जनरल विल है, अगर कोई उसको ओबे नहीं कर रहा है, मतलब कि जो लोगों का जनरल विल है, तो उसको ही शुड बी मेड टू ओबे द विल ऑफ द अदर्स, ताकि जो है सोसाइटी में जनरल विल का वो रहे, फ्री विल रहे.
स्वामीनाथन इसमें ये है कि वो बात कर रहा था कि लोग जो है लोगों ने एक कंसेंट के साथ जो है अपनी राइट्स को सरेंडर किया है, और बेसिकली यहाँ पे जो सॉवरन है वो बेसिकली हमेशा से लोगों के बीच ही रहा है। मतलब जैसे आपका शायद वो था हॉब्स था ना, जो कहता है कि सॉरी लॉक था, जो कहता है कि सॉवरन जो है लोगों के पास, सॉवरन सॉवरिटी लोगों के पास है, कृषि के पास है, लेकिन उसको ये बोलता ना कि सॉवरिटी जो है लोगों के पास है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गवर्नमेंट को चूज कर रहे हो या लोगों को चूज करो कि लोग आपको रिप्रेजेंट करेंगे, तो सॉवरिटी लोगों के पास मिलती है। तो इस कंटेक्स में मतलब विल की बात करता है एक तरह से वो। और टीएच ग्रीन का अगर आर्ग्यूमेंट है वो फोर्स की बात करता है कि फोर्स से सॉवरिटी आती है, बिकॉज सॉवरिटी को ऑस्ट्रेलिया जो अभी कंटेम्पररी स्कॉलर्स उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे पढ़ते हैं कि सॉवरिटी समथिंग जिसमें जो है आपका फोर्स का एलिमेंट होता है, अथॉरिटी का एलिमेंट होता है, और दूसरा जो है कंट्रोल का एलिमेंट होता है। लेकिन ये यहाँ पे जो रूसो का था उसका ये था कि विल वाला एलिमेंट था, कि लोगों का जनरल विल है एक तरह से, वो नॉर्मेटिव थ्योरी को मतलब प्रिवेल कर रहा था कि मॉरली लोग अच्छे हैं तो फाइनली वो मिल के जो है कॉन्टैक्ट बनाएंगे, और अल्टीमेटली जो है उनका जो वो होगा क्या बोलते हैं सॉरी, लोग अपने जो है डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं उसको लॉक वाले केस में सॉवरन को दे देते हैं, लेकिन रूसो केस में जनरल विल वाले केस में वो अपने पास ही रखते हैं और किसी को रिप्रेजेंट करते हैं जो लोगों का जनरल विल को वो करता है, मतलब कि आगे जाके सॉरी वहां पे रिप्रेजेंट करेगा जिसको रिप्रेजेंट किया होगा बाकी लोगों ने मिलकर। फॉलो कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्चुअली वो ये विकास ने कुछ डाला है ग्रुप में, मतलब उसने वो क्रक्स बता दिया है उसका। वो क्या कहते हैं उस क्वेश्चन का, वही है कि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट इज द लिबरल पर्सपेक्टिव, और कोअर्जन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट इज द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। तो वो वैसे करके अगर हम लेंगे तो मेरे ख्याल से, मेरे को जो लगता है स्ट्रक्चर होना चाहिए कि पहले हम ब्रीफली मेंशन कर दें टी एच ग्रीन क्या बोलना चाह रहा है, देन वी टेक अप वो किसको क्रिटिसाइज कर रहा है, कि जैसे फोर्स वाले जो एस्पेक्ट है मार्क्सिस्ट का क्या पर्सपेक्टिव है, एंड देन वी कम टू ग्रीन और जो जनरल जनरल लिबरल पर्सपेक्टिव है कि कैसे कंसेंट और लेजिटिमेसी के थ्रू बेसिस ऑफ स्टेट इंश्योर किया जाता है। तो आई गेस मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर वैसे कुछ होना चाहिए। मेरे ख्याल से ज़्यादा ग्रीन ग्रीन शायद राइट्स के बारे में ही बोलता है ना ज्यादा, वो पॉजिटिव लिबरल है, तो उस हिसाब से वो ऐसा बोल रहा है कि जो आपका कंसेंट भी रहेगा वो भी तभी एक्चुअल विल के ऊपर मतलब उसको माना जाएगा जब राइट्स होंगे आपके पास, नहीं तो वो आखिर में फोर्स ही रहेगा, वो एक टेसिट का कंसेंट जो रहेगा वो भी आपका डोमिनेटरी रहेगा ऐसा कुछ। तो बोल रहा था ना नीलेश, अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन है कि ऐसा बना जैसे, रहा था हाँ मैं। मेरा एक क्वेश्चन, हाँ ठीक है मैं, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे ये इस तरह के क्वेश्चन है ना, जैसे टी एच ग्रीन का स्टेटमेंट दिया हो कि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, मतलब यहाँ पे हम लोगों को ये, मैंने पहले भी शायद क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बट थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत ये है कि इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ स्टेटमेंट को एड्रेस करते हैं कि ग्रीन ने एग्जैक्टली क्या बोला था उसको एड्रेस करना है। स्टेटमेंट को भी करना पड़ता है और वो कंटेक्स्ट में भी लेना पड़ता है कि उसने मतलब उसका क्या व्यू था ओवरऑल पूरे इसको लेके, प्रिंसिपल को लेके। एक्चुअली जैसे मैंने ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा था कि जैसे कई बार क्या होता है ना कि जैसे एक ईएल वेपर का भी एक क्वेश्चन था कि मिल्स एज रिलक्टेंट डेमोक्रेट। अब ग्रीन का तो चलो हमको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मालूम है तो वी कैन टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, उस पर थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हैं, बट उसमें कई बार एकदम रैंडम पूछ लेते हो, प्लैनेट्स वगैरह पूछ लेते हैं, या जेएस मिल का रिलक्टेंट डेमोक्रेट टाइप का वेपर टाइप के ऑथर्स पूछ लेते हैं जिसके बारे में मालूम नहीं है, हम उन पे तो एक्सपैंड कर नहीं सकते, हम अल्टीमेटली उनके स्टेटमेंट पे एक्सपैंड करते हैं ना आंसर को। तो फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में वी शुड स्टिक टू द स्टेटमेंट और वी शुड एक्चुअली एक्सपैंड ऑन व्हाट ग्रीन एक्चुअली सेड इन एंड इन विच कॉन्टेक्स्ट। एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था क्योंकि कमेंट डाउन लिखा है, तो कमेंट डाउन जब आता है तो हमें उस स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ता है, तो आई थिंक जो मैं रूसो के बारे में बकवास कर रहा था वो भी यहाँ पे इतना वैलिड नहीं होगा, हमें ग्रीन से थोड़ा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना चाहिए कि उसका पर्सपेक्टिव क्या था। और फाइनली जो विकास लिखा है वो काफ़ी ज़्यादा वैलिड लग रहा है देखने में कि उसने लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू बना रखा है कि विल का कैसे रोल होता है और फोर्स का मार्क्सिस्ट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम उससे मतलब सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब कि जो एंडिंग वाला पार्ट होगा वो थोड़ा कंक्लूड कर सकते हैं। तो आई थिंक हम थोड़ा हमें जो स्टेटमेंट है उससे स्ट्रिक रहना चाहिए। हाँ, ये जो स्टेटमेंट भी था मतलब इनका वो बेसिकली मार्क्स के लिए ही था, मतलब मार्क्सिस्ट ये जो मतलब बोलते हैं कि जो फोर्स पे बेसिकली स्टेट होता है तो उसको काउंटर अटैक करने के लिए एक्चुअली इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो
अगर ये थोड़ा बैकग्राउंड पता है तो स्टार्टिंग यहीं क्वेश्चन से की जा सकती है। मुझे लगता है ये जो इनका विकास ने बोला है तो नोट्स में भी था शायद कि ये स्टेटमेंट बोला ही इसलिए गया था कि उन्हें मार्क्सिस्ट को क्रिटिसाइज करना था। तो अगर ये पता होगा तो क्वेश्चन मेनली इसी के अराउंड रहेगा कि उनका क्या व्यू था, लाइक मार्क्सिस्ट का क्या व्यू था, एंड देन अदर रूसो सो भी आई थिंक इंक्लूड कर ही सकते। हाँ सही है, ठीक है। कोई और इसके ऊपर इनपुट है क्या? ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, साक्षी ने लिखा है, साक्षी है क्या यहाँ पे? क्रिटिकली एग्जामिन द न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, मैं द पढ़ दूँ, स्टेट हाँ पढ़। क्रिटिकली एग्जामिन द नियो लिबरल थियोरी ऑफ स्टेट, द कंसेप्ट ऑफ स्टेट वॉज एट द हार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जे डब्ल्यू गार्नर कमेंटेड दैट पॉलिटिकल साइंस बिगेन्स एंड एंड्स विद स्टेट। स्टेट कैन बी डिफाइंड एज अ जियोग्राफिकली डिलीनेटेड सेगमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी विच इज यूनाइटेड बाई कॉमन ओबीडियंस टू अ सिंगल सॉवरेन। लिबरलिज्म ऑफर्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट थियोरी ऑफ स्टेट थियोरीज ऑफ स्टेट। दे गिव अ मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट। स्टेट इज एन आर्टिफिशियल एंड नॉट अ नेचुरल एंटिटी। द ऑर्गन्स ऑफ स्टेट वॉज इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू लॉ इन द एबसेंस ऑफ स्टेट इट इज स्टेट ऑफ नेचर। ह्यूमन बींग्स इंजॉयड फ्रीडम ह्यूमन बींग्स इंजॉयड फ्रीडम एंड नेचुरल राइट्स दैट इज लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी डिस्पाइट ह्यूमन बींग रैशनल सम इनकन्वीनियंसिस अरोज। सो पीपल केम टूगेदर टू फॉर्म अ स्टेट एंड गेव अप ओनली थ्री राइट्स टू मेक एग्जीक्यूट एंड एडजुडिकेट लॉज। स्टेट वॉज दस अ प्रोडक्ट ऑफ मैंस विल। इट केम अप एज अ न्यूट्रल आर्बिट्रेटर आर्बिटर फॉर कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। क्लासिकल लिबरल्स दस गेव द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड स्टेट और अ नाइट वॉचमैन स्टेट। मॉडर्न लिबरल्स रिवाइज्ड दिस इन व्यू ऑफ गवर्निंग इनइक्वालिटीज एंड कॉल्ड फॉर अ वेलफेयर स्टेट। New liberal theory of state developed as a criticism to welfare state. They dubbed it as a nanny state, which shadowed men from cradle to grave. As the state overstretched itself, it gave rise to issues like legitimation crisis. Thus, it overpromised and underdelivered various inefficiencies. Crept in. So neoliberals called for a rolling back of the state. This view is rooted in market fundamentalism and advises and derives inspiration from Adam Smith's laissez-faire state. State should only have a minimal presence and should not intervene in the market. Hayek argued that any planning on the part of state will be akin to road leading to serfdom. Further, welfare state was नीचे करो ऊपर करो further welfare state was inimical to the individual liberty as it takes wealth from more competent people and distributes it to the less competent. So progressive taxation is like bonded labor, argues Hayek. Thus, as Nozick says, minimal state is inspiring as well as right, as it encouraged hard work. New liberal view is reflected in the institution like IMF and World Bank. The Washington Consensus, in fact, establishes it as the only alternative today. But this view is criticized for being the reason behind growing inequality between the haves and have-nots, as Thomas Piketty has shown.
पॉल क्रूगमैन डब्ड दिस एज न्यू लिबरल एब्सोल्यूटिज्म टू प्रोमोट मार्केट फंडामेंटलिज्म एंड लेजिटिमाइज द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. डेविड हार्वे स्ट्रेसेस ऑन इट्स सोशल डार्विनिस्टिक डार्विनिस्टिक एथिक एंड आर्ग्यूज दैट सच अनब्रिडल्ड इंडिविजुअलिज्म इज हार्मफुल फॉर सोशल सॉलिडैरिटी. इट हैज बीन क्रिटिसाइज ऑल्सो बाई कॉजिंग वेरियस फंक्शनल क्राइसिस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. साइमल्टेनियसली इट एक्सप्लॉइट्स द पुअर एज सोशल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंगली कट. दस देर इज अ नीड टू मॉडरेट सच प्रैक्टिसेस. अमर्त्या सेन कॉल्स फॉर अ मोर ह्यूमेन अप्रोच एंड कैपिटल कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पीपल. सही लग रही है ये तो आंसर. मैंने कवर तो कर रखा बट वही थोड़ा न्यू लिबरल काफी लेट शुरू किया है आंसर में. पहले काफी सारा डाल दिया लिबरलिज्म वाला पर ठीक है वो भी ठीक है बट आई थिंक थोड़ा स्ट्रिक रहना चाहिए ना कंटेंट से. हाँ मतलब 50 वर्ड्स के लिए 4 पेज देना और फिर ऊपर से इतना ज्यादा मतलब लिबरल पे इतना फोकस करना स्टार्टिंग से तो इससे मतलब हाँ, वो थोड़ा ज्यादा हो गया था. वो 20 मार्कर के हिसाब से लिख दिया उसको. हाँ बट स्टिल जो है काफी लंबा आगे वो डाल दिया लिबरलिज्म वाला. बाकी तो खैर वही सब सारे पॉइंट्स है कि इकोनॉमिक फ्रीडम उसके बाद लिबरल पॉलिटिकल फ्रीडम आएगी वगैरह वगैरह वो सबको पता है. और वैसे में न्यू लिबरल के जो है वो कम है व्यूज कम है और उसका क्रिटिसिज्म ज्यादा है. क्रिटिसिज्म हम यहाँ परसों पढ़ लेना सोशलिज्म वाला कि अभी कैसे रेलेवेंट वो है वो एंटी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में तो उसमें वो सारे स्कॉलर डाल सकते हैं हम. टॉनी गिल्टन हो गया जो बोलता है कि द मोर द वर्ल्ड हैज चेंज्ड द मोर इट रिमेंस द सेम. मतलब क्रिटिसिज्म अगर डालना हो तो थॉमस पिकेटी का जो बात करता है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनइक्वालिटीज तो 17 18 सेंचुरी की इनइक्वालिटीज न्यू लिबरल वर्ल्ड में वापस आ रही है वो तो डाल सकते हैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म में. उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब न्यू लिबरल आया ही वेलफेयर स्टेट को क्रिटिसाइज करने के लिए था. तो वेलफेयर स्टेट का जो बेसिक कंसेप्ट है फंडामेंटल कंसेप्ट है कि वो कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करता है तो उसको उसको फोकस कर सकते हैं मेन ना कि पूरा लिबरलिज्म मतलब क्लासिकल से लेकर के एंड तक. बाकी एक स्कॉलर वो भी है बिल वैरन जो बोलता है कि जो ये है मतलब न्यू लिबरल मतलब न्यू लिबरल के बारे में पर्टिकुलर नहीं बोलता बट इंटरप्रेट कर सकते हैं उसको. बिल वैरन ये बात करता था कि जो कॉलोनीज वगैरह में कैपिटलिज्म आया या कॉलोनीज बनी है मतलब अभी के टाइम में या पहले के टाइम में तो कहने की जो है वो वेलफेयर को एनहांस करता है कॉलोनीज के. तो न्यू लिबरल में भी हम डाल सकते हैं कि भैया जिस तरह से आपके मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन या इवन जो इकोनॉमिक फ्रीडम पर्टेनिंग टू पॉलिटिकल फ्रीडम तो बिल वैरन में कंटेक्स्ट डाल सकते हैं कि वो कैसे जो है वेलफेयर स्टेट को ज्यादा एनहांस कर रहा है अगर न्यू लिबरल को सपोर्ट करना है तो. इवन दो बिल वैरन वाज अ मार्क्सिस्ट स्कॉलर बट उसने सपोर्ट किया था इन सबको. उस नेट का क्या था यार ये चीज. सुजैन ने डाला ना कुछ नेट का याद नहीं आ रहा क्या था बता देना यार. उसमें ये रहता है ना कि वो ये बोलते हैं आई मीन न्यू लिबरल के अकॉर्डिंग कि अगर मतलब स्टार्टिंग में तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी बट एट पॉइंट ऑफ टाइम वो घटने लगेगी ऐसा मतलब उन्होंने बोला था तो ये प्रूव नहीं हुआ ऐसा. हाँ ये अपने इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया ना इस बार तो उस पर फोकस मत करो इनइक्वालिटी पे पहले जो है वो जीडीपी ग्रोथ कर रहे हो उसके बाद अपने आप वो सब सेटल हो जाएगा ये है ना. एब्सोल्यूट हाँ एब्सोल्यूट ग्रोथ को बोला है कि मतलब अगर फोकस करेंगे मतलब ग्रोथ पे तो इनइक्वालिटी राइज होगी बट उस रेट से नहीं होगी लाइक वो ओवरऑल बेनिफिट ही होगा ऐसा वाला. करेक्ट हाँ इस पर ये आई थिंक इलैबोरेटली पूरा सर्वे में एक चैप्टर है इस चीज के ऊपर इनइक्वालिटी से इतना कोई डरो मत इकोनॉमिक जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो वो एड्रेस होता है. हाँ नेक्स्ट कंक्लूजन ये सही लग रहा है क्या.
अमृत सेन आई थिंक इसका जेनरिक कंक्लूजन हो सकता है, मतलब जो प्रॉब्लम्स हमने वेलफेयर स्टेट में देखे थे उससे एक स्टेप ऊपर आ जाता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये इस क्वेश्चन को क्रिटिकली एग्जामिन करना था न्यू लिबरल थ्योरी को, तो क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट ज्यादा आएंगे, समझे? हाँ ये क्रिटिकल एग्जामिन लिखा मैंने अभी देखा, इसमें क्रिटिकल एग्जामिन में इसने एक्सप्लेन कर रखा है, क्रिटिकल एग्जामिन वाले बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत ही सारे पॉइंट्स हैं। हाँ वो तो है ना, इनके तो क्रिटिसिज्म ज्यादा है ना न्यू लिबरल के तो। मैंने अभी ध्यान दिया, इसमें बहुत कुछ था, इनक्वालिटीज बढ़ी है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कैसे जो है नेशन में इनक्वालिटीज वगैरह हुई है, उसके अलावा वही टॉनी गिल्डन या थॉमस पिकेटी या फिर इवन वॉल्फ गैंग स्ट्रीच वाला, कि जो न्यू लिबरल स्टेट है, क्योंकि वो अभी अभी के कंटेक्स्ट में ही बात करता है, हालांकि वो कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करता है पर वो अभी के कंटेक्स्ट में ही बात करता है, तो वही बातें करता है ना कि जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें पांच डिसऑर्डर्स है, ऑलिगार्ची हो गया, करप्शन हो गया, स्टार्वेशन ऑफ पब्लिक स्पेयर हो गया, इंटरनेशनल अनार्की हो गया, डिक्लाइनिंग ग्रोथ हो गया, प्लस जो न्यू लिबरल अब आपका वर्ल्ड ऑर्डर है उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है उसको लेके, मतलब इवन कैपिटलिज्म को लेके, बट कैपिटलिज्म का ही एक तरह का पॉइंट है ये जो हम परसों डिस्कस कर रहे थे, न्यू लिबरल का ही वो है ये फॉर्म है। पॉलिटिकल लाइफ में हम लोगों को नेगेटिव पॉइंट ज्यादा डालने पड़ेंगे हम। हम ऐसा भी कर सकते हैं जैसे नीलेश ने काफी सारे थिंकर्स बताए, इन्होंने भी साक्षी ने भी डाले कि उसको सेग्रीगेट करके मतलब रियलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू देके, फिर ऐसा न्यू मार्क्सिस्ट का मतलब ऐसे स्कूल ऑफ थॉट से रिलेट कर सकते हैं, तो शायद बिल्कुल ज्यादा हाँ, क्योंकि पेपर वन पार्ट ए का क्वेश्चन के हिसाब से आई थिंक उसी लाइंस पे चलना चाहिए हमें, इवन और कहीं ना कुछ कहीं ग्राउंड भी है। इसमें थ्योरी ऑफ स्टेट में शायद गांधी भी दिया हुआ है अपने सिलेबस में, तो इफ पॉसिबल तो उनका भी अगर पर्सपेक्टिव हम डालेंगे तो शायद सही रहेगा। हाँ हाँ वो मिनिमम नीड्स वैसे वाला, हाँ वो तो बहुत सही है उनका, क्योंकि ये तो डायरेक्टली अगेंस्ट ही होता है न्यू लिबरल के, जैसे वो मास में बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो ये मिनिमम का वो तो सही है। अब चल लो आगे। ग्राउंड रियलिटी से भी इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी और जितने भी ऐसे टेररिज्म को भी इसी से कहीं ना कहीं वो रिलेट करते हैं कि मतलब लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, क्या बोलते हैं एलिनेशन एक कंसेप्ट करके आता है, उसको भी रिलेट कर सकते हैं। एलिनेशन हाँ मतलब जैसे स्टेट को आप डेवलपमेंटल से मतलब डेवलपमेंट या फिर उससे बाहर निकाल लोगे तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो लोअर सेक्शन है वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई हो रहा है और वो एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं। नहीं है क्या? एक बार पॉइंट फॉर्म में इसको लिख दे आपके तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है ठीक। नेक्स्ट चलते हैं फिर क्वेश्चन 7। कमेंट ऑन स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ इन इररिकंसीलेबिलिटी ऑफ क्लास एंटागोनिज्म, उसके बारे में लिखा है विशाली ने लिखा है, कौन बोले यार इससे पहले? वैशाली का देख लो, मैंने तो बस मैम के नोट्स ही डाले हैं। अरे वो उस वो शिवानी ने पूरा वो आई गेस मॉडल वो डाला है ना उसका शिवानी, तुमने हाँ मैंने मैंने एक्चुअली सेम सेम मैम के नोट से वो चीज़ दिखी, इनफैक्ट मुझे क्रिटिक्स का थोड़ी कमी हो रही थी तो आई हाँ थिंक क्रिटिक्स उसने तो पूरा मैंने दिए भी नहीं है, क्रिटिक्स तो मैंने देखे आपके, मेरे को भी लग रहा है वहीं आएगा, नीचे नीचे करना संजय। हाँ है क्या? यही है। तो इस पे बेसिकली जो लेनिन का व्यू पॉइंट है, लेनिन बोलता है कि जो क्लासेस हैं उनमें कभी भी रिकॉन्सिलिएशन हो ही नहीं सकती, और इसका जो बेसिस वो देखते हैं क्योंकि लेनिन जो है वो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट स्कूल से बिलोंग करता है, तो उसका यही मानना है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में, क्लास स्ट्रगल में, रेवोल्यूशन में। और हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में जो भी हमने देखा है कि हिस्ट्री में दो क्लासेज रही हैं, एक ओनर की और दूसरी नॉन ओनर, ओनर एक्सप्लॉयटर और दूसरा एक्सप्लॉयटेड, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लॉयटर और एक्सप्लॉयटेड में कभी भी एक मतलब रिकॉन्सिलिएशन नहीं हो सकती। इस पे मैंने एक एंजल का वो डाला है,
डेफिनेशन सी उसने एक बुक में लिख रखी है, उसके अकॉर्डिंग जो हीगल का आइडिया था मतलब मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, वो एकदम एथिकल आइडिया यूजलेस है. बट बाय द टाइम जो स्टेट हिस्टोरिकली डेवलप करती गई वहाँ पे दो क्लासेस एग्जिस्ट करने लग पड़ी, उसके बाद उनमें कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो गए. अब सोसाइटी लेवल पे वो कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो सोसाइटी ने ही अपनी एक मतलब उनको पार चाहिए थी तो स्टेट को क्रिएट करा है, और स्टेट सिर्फ उनका ही ध्यान करती है. तो लेनिन का भी वही सेम व्यू पॉइंट है उसके ऊपर. उसके बाद यही हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म अगर हम एक्सप्लेन कर दें कि मतलब वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है और स्टेट बेसिक स्ट्रक्चर पे सुपर स्ट्रक्चर पे आ जाती है, फिर ये पॉइंट रिकॉन्सिलिएशन वाला तो बता ही दिया, बस यही बताया इसमें इस आंसर में. तो मतलब अपन को तीन चीजें एक्सप्लेन करनी है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, रेवोल्यूशन और क्लास स्ट्रगल, इसमें मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट को लेके और रादर इसकी डेफिनेशन है. फिर मैम ने तो बस यही लिखा है और नेट पे भी कुछ सर्च करने पे ज्यादा मिला नहीं है इसमें. यार मैंने भी इसके लिए मार्क्सिस्ट का वो मतलब मैं सोच रहे थे कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव एज इट इज कैसे ऐड ऑन करना है. मैंने स्टार्ट में सोचा था कि जो क्लास पर्सपेक्टिव और वो मैकेनिस्टिक थ्योरी और कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थ्योरी से लाइक कंपेयर करके शुरू करने की कोशिश की थी पहले, कि क्लास पर्सपेक्टिव जो है वो सॉर्ट ऑफ एक क्रिटिक्स के तौर पे आया था मैकेनिस्टिक, और वो जो ओरिजिनल थ्योरी थी ऑर्गेनिक थ्योरी थी सॉरी नेचुरल वाली, तो वो ही एक एक्स्ट्रा पॉइंट मतलब मुझे मिला था कि वो मैनिफेस्टेशन ऑफ विल भी नहीं है और ना ही रिकंसिलिएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है स्टेट. तो ये रिक्वायर्ड है आंसर में, मतलब क्रिटिक के सॉर्ट में और कुछ था नहीं ना, तो और क्रिटिक्स हाँ, क्रिटिक के सॉर्ट में तो हम लिख सकते हैं जो वेरियस पर्सपेक्टिव हैं स्टेट के, लिबरल या फिर जैसे आपने वो रिलेटिव ऑटोनॉमी वाले मेंशन करे हैं. हाँ राइट राइट, कि एक लिबरल्स में एक वो मिला था जॉन बर्नहाइम का और रिलेटिव ऑटोनॉमी का. पूरा पढ़ दो ना वैशाली अपना आंसर. यार कंटेंट तो वही है कि स्टेट पहले बता दिया कि स्टेटमेंट लेनिन का है और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है या फिर क्लास पर्सपेक्टिव स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और वही सेम चीज़ कि लेनिन के बारे में फिर शुरू किया कि वो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट है और के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो लेनिन जिसकी बेस्ड थी थ्योरी वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल और रेवोल्यूशन पे बेस्ड थी, और फिर उसी को एक्सप्लेन किया है कि मार्क्स ने जैसे बिलीव किया था वैसे ही लेनिन इसको क्लास इंस्ट्रूमेंट समझता था, और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के हिसाब से फिर वही चीज़ कि बेसिक स्ट्रक्चर है और स्टेट सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है. और फिर सिमिलरली वो क्लास एंटागोनिज्म के बारे में बताया, वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करी, मैंने ज्यादा किया भी नहीं है, तो कि वही कि रिकंसिलिएशन नहीं हो सकता उस पर फोकस किया है. और फिर यही एक चीज की डोमिनेंट क्लास जो है वो खुद ही इसका इनिशिएटिव होता ही है, एंड स्टेट जो है वो केवल एम्बॉडमेंट होता है पॉलिटिकल पावर का, कि डोमिनेंट क्लास जो है अपना स्ट्रांग होल्ड इकोनॉमिक पावर पे रखने के लिए इट ट्राइज टू ब्रिंग अ न्यू फॉर्म ऑफ पावर दैट इज द पॉलिटिकल पावर, और स्टेट उसी का एम्बॉडमेंट होता है, और वो भी एटर्निटी के लिए नहीं होता है, वो एग्जिस्टेंस में आता है फॉर दिस थिंग ओनली. और उसके अलावा तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं था यार, वो तो मैंने ऐड ऑन करके लिखा था कि कोअर्सिव इंस्ट्रूमेंट है और पुअर पे फोर्स मतलब बुर्जो के इंटरेस्ट में पुअर को फोर्स करता है और उसी के लिए फिर वो रेवोल्यूशन लाते हैं, और फिर अल्टीमेटली दिस कैन ओनली एंड इन क्लास सोसाइटी जहाँ पर क्योंकि क्लास स्ट्रगल खत्म हो जाता है तो स्टेट भी खत्म हो जाता है. तो जो लेनिन कह रहा है कि स्टेट एग्जिस्ट तभी करता है तब तक के लिए ही करता है जब तक क्लास एंटागोनिज्म रहता है, तो उस तक एक्सप्लेनेशन मैंने मतलब किया है इसमें, बाकी आगे मुझे समझ नहीं आ रहा था. ठीक है यार, बाकी लोग बताओ यार इसमें और क्या ऐड ऑन करना चाहिए था. मतलब एक बार स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना कि मतलब जिसने भी लिखा है क्या क्या इंटरप्रेट कर रहे थे आप लोग. जो स्टेट है वो आई क्यों है, क्योंकि जो सोसाइटी थी ना उसमें दोनों की नहीं बन रही, एक्सप्लॉइटर और एक्सप्लॉइटेड की, बट सोसाइटी के पास इतनी मतलब इतना दिमाग या पावर भी नहीं है कि वो अब वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर पाए. अब उनको पार चाहिए, अपर एंड चाहिए, तो जो सोसाइटी में से जो डोमिनेंट सेक्शन है उन्होंने स्टेट क्रिएट करी है, बोर्जो क्लास ने स्टेट क्रिएट करी है, वो इसीलिए आई है. वो आई इसलिए क्योंकि क्लास एंटागनिज्म है. गौरव हाँ यही मेरे को तो यही समझ लगा, वो मैंने नीचे जो डेफिनेशन से डाली है मतलब ये जो लाइन उसमें वही लिखा है मैंने, और मतलब वही समझा था उससे.
इसमें एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में जो कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, वो बोलते हैं कि बुर्जुआ क्लास मेनली रिप्रेजेंट करता था कि अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, ये मार्क्सिस्ट का पर्सपेक्टिव था, वो ऐड कर सकते हैं एज एग्जाम्पल। बताओ कोई ओपिनियन, मैंने तो पहले बता रखा है कि करंट एग्जांपल में मेरी ओपिनियन क्या ही है। मैं हर क्वेश्चन में बोल देती हूँ, करंट वाली एग्जांपल पे तो आई डोंट कमेंट। कोई और प्लीज बताओ इस पे और। बेसिकली लेनिन का तो यही था ना कि मतलब वही जो बात करिए कि स्टेट जो है वो फोर्स की वजह से आया कि सोसाइटी में जो है वायलेंस बहुत ज़्यादा है, और जब भी मतलब कोई स्टेट या कोई भी क्लास अगर उसमें आएगी, रूलिंग में आएगी, तो किसी और को सप्रेस या ऑप्रेस कर रही होगी। इसमें बेसिकली अगर आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को भी बात करते हैं, जो जो बात कर रहा था लेनिन, तो उसमें यही बोला पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो बार बार चेंज होती रहती है, उसमें एक क्लास आती है, चाहे वो मतलब बेसिकली उसने इस तरह से इंडिपेंड नहीं किया था, बट उसका जो था यही था कि जो एलिट्स आते हैं बार बार पावर में, तो अपने कंटेक्स्ट में रहते हैं, जो जिसके बारे में शायद मार्क्सिस्ट स्कूल ने बोला भी है कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट क्लास के बारे में कि स्टेट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोसाइन। थोड़ा मतलब खैर आंसर तो वही है, इसमें कुछ ज्यादा तो मुझे भी नहीं मिला ढूंढने में, बट एक तरह से वही है, यही सारा एलाबोरेट करना है शायद इसमें। अरे यार वो आइडियलिस्ट है उनका भी व्यू डाल सकते हैं क्या, मतलब एक मतलब क्लास एंटागोनिज्म ना होकर के क्लास कोऑपरेशन की वजह से भी स्टेट आता है, जैसे प्लेटो भी बोलता है और हीगल भी बोलता है कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, तो हाँ वो तो आ मतलब जाएगा। हाँ मतलब कि जैसे प्लेटो बोलता है कि एक आइडियल स्टेट आने के लिए मैं लोगों को मतलब वर्ड नहीं आ जा रहा, लोगों को है मतलब एक अच्छी जो हैप्पीनेस हैप्पीनेस के लिए एक स्टेट आता है, मतलब वेलफेयर के लिए स्टेट का रिजल्ट। यार मैं इसको इंटरप्रेट कर रही थी, तो मैं सोच ये डाउट आ रहा था मुझे कि इसको मैं जैसे लेनिन का ही है पूरा, तो लेनिन का ही मतलब पूरा देना है इसमें कि जैसे केवल मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव लेके मैं उसको ऑर्गेनिक थियोरी से और जो मार्क्सिस्ट का जो सिंबल ये था ना, उसका मार्क्सिस्ट का जो था वो बेसिकली ये एड था ऑन कि करना है उसमें। हाँ मतलब मार्क्सिस्ट का ये था कि रिकॉग्निशन ऑफ क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल है उसकी वजह से जो है आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि प्रोलेटेरियट की प्रेशर को एस्टैब्लिश करना है। प्लानिंग का ये था कि एक क्लास हमेशा जो है डोमिनेट करेगी और वो दूसरे को जो है इनकम्पेटेबिलिटी की वजह से जो भी क्लास होगी जो रूल में होगी वो दूसरे को सप्रेस ही करेगी हमेशा। अब इसी को इलाबोरेट करना पूरे आंसर में। मतलब इलेबोरेट के साथ साथ हमें एक सेकेंड व्यू भी देना होगा ना, काउंटर व्यू। तो आइडियलिस्ट का जो स्टेट है वो ओरिजिनेशन स्टेट बताते हैं, उनको काउंटर में रख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटागोनिज्म की वजह से स्टेट आता है, क्लास कोऑपरेशन भी हो सकता है। मतलब क्लास एंटागोनिज्म हर बार नहीं होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्लास में कोऑपरेशन भी होता है। मतलब अभी जैसे अपन SDGs ला रहे हैं, साउथ साउथ कोऑपरेशन हुआ जैसे एट इंटरनेशनल लेवल, तो ये भी एक मतलब क्लास कोऑपरेशन का एक एग्जाम्पल बनेगा। आइडियलिस्ट का व्यू भी डाल सकते हैं ना उधर काउंटर में। आइडियलिस्ट मतलब थोड़ा इलाबोरेट करना मतलब मतलब प्लेटो हो गया, और जैसे मतलब हीगल को तो आइडियलिस्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन हीगल वो बोलता है ना कि स्टेट इज मार्च ऑफ ये जो शायद तूने बात बोले ना, ये आई थिंक MN रॉय बोलता है ना, क्लास कोऑपरेशन का रिजल्ट है हिस्ट्री, किसी ने बोला है ना ये, हिस्ट्री इज नॉट द रिजल्ट ऑफ दिस मतलब रिकनसिलेबिलिटी या क्लास कंफ्लिक्ट, हिस्ट्री इज द रिजल्ट ऑफ कोऑपरेशन। क्योंकि मैं इसलिए बोला यार क्योंकि मेरे को लेनिन ने तो नाम ये तो बात याद नहीं, मेरा स्पेसिफिक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही था, तो मुझे थोड़ा सा वहां से। गौरव पता मैं गौरव मैंने सॉरी हाँ हाँ गौरव गौरव भी मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि लेनिन ने स्पेसिफिक ली थी कि आइडियलिज्म जो है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि बात हुई है कि आइडियलिज्म की वजह से होगा ये कि आइडियलिज्म अगर सॉरी आइडियलिज्म प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, मतलब आप कह रहे हो कि आइडियलिज्म एक तरह से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन लेनिन ने खुद अपना थ्योरी देते हुए स्टेट एंड रेवोल्यूशन ने थ्योरी देते हुए ये स्पेसिफिकली कहा था कि एक एक क्लास है वो डोमिनेट करेगा, दूसरा सब्जुगेट होगा, इसलिए जो है एंडोगनिज्म की वजह से जो है सब्जुगेशन सॉरी सब्जुगेशन हमेशा चलता रहेगा, और जो बात आइडियलिज्म की है वो प्रैग्मेटिकली इम्पॉसिबल है। तो
क्योंकि अल्टीमेटली तो ये बात हुआ ना, अल्टीमेटली मतलब मार्क्स का तो पॉइंट यही है कि प्रोलेटेरियट सारे आएंगे, रिवोल्यूशन होगा, अब वो क्रश करेंगे बुर्जवासी को और अपना जो है वो डाल देंगे, स्टेट एस्टैब्लिश कर देंगे। बट एज अ क्रिटिसिज्म की बात है ना, क्रिटिसिज्म की बात चल रही थी, तो आई थिंक ये शायद एम एन रॉय ने बोला है कि हिस्ट्री इज द रिजल्ट ऑफ क्लास कोऑपरेशन। तो अगर क्रिटिक देना तो आई थिंक हाँ एम एन रॉय, तो एक बार देख लूंगा मैं, कोई और भी चेक कर लेने को, मेरे ख्याल से एम एन रॉय ने ही बोल दी ये चीज। और वैसे भी मतलब मैं थियोरेटिकली कंसेप्ट की बात कर रहा था, मतलब ऐसे प्रैक्टिकली आइडियलिस्ट होते हैं ना वो तो अलग बात है, इवन मार्क्सिज्म मतलब जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म भी प्रैक्टिकल लेवल पे उतने भी नहीं होते हैं, तो थियोरेटिकली काउंटर करने का बोल रहा था वो। नहीं मैं मतलब एक सॉरी मैं एक टेक्स्ट पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि रेवोल्यूशन का लेनिन ने कहा था कि उसने डिक्लेयर किया था कि टास्क ऑफ द रेवोल्यूशन वाज टू स्मैश द स्टेट, बेसिकली मतलब कि वो खुद आइडियलिज्म को वो कर रहा है, मतलब ये समझ में आया ना, मतलब जो बोल रहा हूँ मैं कि आइडियलिज्म को ऑलरेडी क्रिटिसाइज करें कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, अगर आप आइडियलिज्म को लेके भी आते तो अल्टीमेटली आप रेवोल्यूशन की बात कर रहे हो, जो लेनिन है वो कह रहे हैं कि रेवोल्यूशन होके रहेगा और वहां पे प्रोलेटेरियट जो है आपको बर्जवासी को ओवरथ्रो करके खुद जो है अपनी स्टेट को एस्टैब्लिश कर देंगे, तो आइडियलिज्म तो कभी हो ही नहीं पाएगा ऐसे में। उसके बाद फिर वही बात हो जाएगी, मतलब जो आगे जाके होगा, अगर क्रिटिसिज्म में आप एक बार को ये डाल सकते हो कि लेनिन ने बोला है कि प्रोलेटेरियट आ जाएंगे रेवोल्यूशन के बाद स्टेट में, अपनी वो डोमिनेशन एस्टैब्लिश करने के बाद अलग सोसाइटी बन जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली ये क्या सिक्योरिटी है, वो तो कहता है ना कि क्लास एंटागोनिज्म की वजह से जो है स्टेट में वो आते हैं, मतलब कि एक एक सप्रेस करेगा दूसरा सप्रेस होगा, तो अगर ये प्रोलेटेरियट आगे जाके स्टेट की पावर में आ जाते हैं तो आप क्रिटिसिज्म ये डाल सकते हो कि आगे जाके इस बात का क्या श्योरिटी है कि ये लोग जो है दूसरों को ऑप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एलिटिस्ट थ्योरी तो यही बोलती है ना कि आपके जो एलिट्स हैं जो पावर में है वो तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे। इवन ये बात रूसो के उसमें भी लिखी थी, जनरल विल के कंटेक्स्ट में भी बोली गई थी, जो लोगों का सॉरी ये थोड़ा बाहर हो गया सॉरी उसके, हाँ तो मतलब पॉइंट मेरा ये कि एलिटिस्ट थ्योरी वाला जो रूल करेगा वो अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ही रूल करेगा, तो अगर कल को प्रोलेटेरियट जो है पावर में आती भी तो वो कैसे मतलब एक अच्छा स्टेट एस्टैब्लिश कर पाएंगे। ठीक है यार आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं, काफी देर डिस्कस कर लिया अपने इस पे। नेक्स्ट वाज क्रिटिकली एग्जामिन मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट विद रेफरेंस टू डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट, गौरव पलाश ने लिखा है इस पे, कौन बोलेगा? मैं बोलते तो पलाश का तो मैंने पढ़ा नहीं, वो काफ़ी लेट डाला उन्होंने, तो जो मेरे को समझ आया इस स्टेटमेंट से, मतलब क्रिटिकल एग्जामिन द मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट, तो एक्चुअली मार्क्सिज्म क्या है, मार्क्सिज्म इज क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म, मतलब मैं जो मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट है ऐसा कोई उनकी खुद की नहीं है, मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट बस ये है कि वो क्रिटिसाइज करते हैं लिबरलिज्म को, तो जैसे मार्क्सिज्म क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म, तो देयरफॉर उनकी जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्टेट स्टेट के रेस्पेक्ट में जो थ्योरी है वो जस्ट इट्स अ क्रिटिक ऑफ लिबरल कैपिटलिस्ट स्टेट ऑफ थ्योरी, मतलब कि ऐसा उनकी खुद की कोई थ्योरी नहीं है, बट ये बोल रहा है कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट बताओ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट। तो मैंने क्या इसको इंटरप्रेट किया कि ये जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट है ये क्लास एंड क्लास स्ट्रगल जो कंसेप्ट है उसमें एक्सप्लेन कर रहे मार्क्स, मैं उसी को लेकर के आगे चला, तो मैंने पहले वही कंक्लूजन इंट्रोडक्शन में डाला कि इट्स अ क्रिटिक टू लिबरलिज्म, देयरफॉर मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट है वो इज आल्सो क्रिटिक टू लिबरल कैपिटलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। सो हाउएवर मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट कम्स अंडर द कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल गिवन बाय मार्क्स। उसके बाद ये जो दो लाइन है ये काफ़ी रैंडम है, और मैं पोस्ट करने के बाद मैंने पढ़ा मेरे को अच्छी लगी तो काट देना, वैसे है क्या कि मार्क्स बिलीव दैट चेंजेस हैपन्स व्हेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी चेंजेस, दस हिस्ट्री इज द चेंज ऑफ मास मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब स्टेटमेंट ठीक है लेकिन इनका कोई रिलीवेंस नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, एज पर मार्क्स क्लास स्ट्रगल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ क्लासेस एंड ड्यू टू क्लास स्ट्रगल स्टेट एग्जिस्ट, मतलब वो यही बोलता है कि जब क्लासेस हैं तो क्लास स्ट्रगल होगा और जब क्लास स्ट्रगल होगा तो फिर स्टेट का एग्जिस्टेंस होगा, तो फिर जो इस जो क्लास एंड क्लास स्ट्रगल में इन्होंने बताया चार पांच स्टेजेस बताई हैं कि पहले प्री हिस्टोरिक स्टेज थी
जो कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, वहाँ पर कोई क्लास नहीं था, कोई स्ट्रगल नहीं हुआ, फिर कोई स्टेट नहीं आया, तो यहाँ पर नो आ जाएगा। सो नो क्लास स्ट्रगल में नो लगाना भूल गया यहाँ पे सेकेंड लास्ट लाइन में। फिर सेकेंड स्टेज आती है स्लेव सोसाइटी, जिसमें कि फिर क्लास आ जाती है और क्लास स्ट्रगल फिर स्टार्ट हो जाता है उधर, और फिर स्टेट भी आ जाता है। उसी तरीके से फ्यूडल स्टेज है, उसमें भी लॉर्ड एंड सर्फ के बीच में स्ट्रगल होता है, और सेम कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट और वर्कर्स होते हैं। वहाँ पर स्टेट को ये लोग बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल स्टेट है। फिर जो फिफ्थ स्टेट आती है, फिफ्थ स्टेज आती है कि सोशलिस्ट स्टेट, वो क्या बोलते हैं कि इट्स दिस स्टेज कम्स इमीडिएटली आफ्टर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। वहाँ पर भी दो क्लासेस होते हैं, जो वर्कर्स एंड कैपिटलिस्ट, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो एक्सप्लॉयटर्स होते हैं, और जो थोड़ा नीचे करना था, और जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो एक्सप्लॉयटेड होते हैं। तो जैसे कि कैपिटलिज्म में था उसका उल्टा यहाँ पे हो जाता है। और उसके बाद मैंने बताया कि सोशलिस्ट स्टेट, उसको थोड़ा और एक्सप्लेन किया कि सोशलिस्ट स्टेट इज कंट्रोल्ड बाय वर्कर्स, देयरफॉर कार्ल मार्क्स कॉल्स इट एज डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट। ही बिलीव्ड दैट सोशलिस्ट कंट्रीज आर मोर डेमोक्रेटिक बिकॉज ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ मेजोरिटी, सो हेंस सोशलिस्ट कंट्रीज आर पीपल डेमोक्रेसी, वो ऐसा बोलते हैं। हियर स्टेट एग्जिस्ट करता है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्कर्स। तो मतलब वो कंसेप्ट दे दिया। उसके बाद क्या है कि मैंने बताया कि ऑल दो दिस कंसेप्ट कम क्लोज टू फेबियन और जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है कि पार्लियामेंट रूल टू सोशलिज्म, लेकिन क्या है कि सोशलिज्म नेवर एग्जिस्ट इन ट्रू फॉर्म। इस करके नियो मार्क्सिस्ट हैं जैसे ग्रामजी और एल्थ्यूजर, वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, जो अभी क्लास और क्लास स्ट्रगल का कंसेप्ट है कि इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि स्टेट सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुपर स्ट्रक्चर है, स्टेट खुद में एक स्ट्रक्चर है। और तो दे कॉल मार्क्स एज डिटर्मिनिस्ट। फिर वहाँ से मैंने कंक्लूड किया है कि लेटर न्यू मार्क्सिस्ट रिवाइज मार्क्स बेस एंड स्ट्रक्चरल थ्योरी एंड कंसीडर्ड स्टेट एज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड सजेस्टेड टू वेज प्रोट्रैक्टेड वॉर टू डेवलप बाय डेवलपिंग काउंटर हेजेमनी अगेंस्ट कैपिटलिज्म। यार बाकी लोग क्या व्यू है इस पे? मेरे आवाज आ रही है? आ रही है। मैंने भी लिखा था इस पे, बहुत नेट बहुत अनस्टेबल चल रहा है, तो अगर कट गई आवाज तो मतलब कंटिन्यू कर लेना। मेरा मतलब स्टार्टिंग से मैंने किया कि पॉलिटिकल साइंस वगैरह दे दिया कि कंसर्न विद द स्टेट, गार्नर का स्टेटमेंट दे दिया मैंने, स्टार्ट एंड एंड विद द स्टेट वगैरह। लिबरल थियरी को हेजेमोनिक स्टेट बताया, अदर स्कूल ने चैलेंज किया, प्राइम अपना मार्क्सिस्ट था, मार्क्स ने मटेरियल एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री बता दिया, उसने डायलेक्टिक मटेरियलिज्म यूज किया था, और प्रोडक्शन को इम्पोर्टेंट एक्ट बताया इंटेलेक्चुअल वर्क्स के कंपैरिजन। नीड ऑफ द मैन था, इसलिए वो प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन से सोसाइटी आता है, सोसाइटी में जो एंटर करता है एक तो हैव में करता है, एक तो हैव नॉट में करता है। सोसाइटी दस इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस में। फिर वर्ड्स ऑफ मार्क्स में हिस्ट्री ऑफ ऑल हिटरेटिव सोसाइटी वाला स्टेटमेंट डाल दिया मैंने, वन एक डोमिनेटर था, अदर डोमिनेशन। थोड़ा सा धीरे, थोड़ा सा डोमिनेटर रहता है, दूसरा मतलब डोमिनेटिंग रहता है, दूसरा डोमिनेटेड रहता है। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर है अपना, और अदर से जो स्ट्रक्चर रहता है जैसे पॉलिटिकल है वो उसका सिर्फ रिफ्लेक्शन रहता है, उसका ऑटोनॉमी नहीं होती। क्लास थियरी ट्रीट सोसाइटी एज एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, और स्टेट एक आर्टिफिशियल कोवर्जन का डिवाइस है। स्टेट इज देयरफॉर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन और एम्बॉडीमेंट ऑफ इनजस्टिस। तो इसके लिए वो एडवाइस करता है इमेंसिपेशन के लिए एक्सप्लॉयटेशन से थ्रू रिवॉल्यूशन के। तो वर्कर्स को बोलता है कि उठो लड़ो वगैरह। फिर मार्क्स दस आर्ग्यूज फॉर वर्कर्स टू फर्स्ट गेट इनटू पावर, दैट विल लीड टू सोशलिज्म, द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट, वेयर ईच विल गेट मतलब वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, ईच विल गेट अकॉर्डिंग टू हिज वर्क वगैरह। फिर ये फेज बहुत मोर डेमोक्रेटिक है, जैसे गौरव ने भी बोला था अंत में। फिर ग्रेजुअली स्टेट विल विदर अवे ओइंग टू क्लासलेस सोसाइटी ऑफ कम्युनिज्म एंड अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह। हाउएवर मार्क्स इंस्ट्रूमेंटलिस्ट नेचर ऑफ सोसाइटी इज चैलेंज, जैसे ग्रामसी ने भी बोला है कि उसमें रिलेटिवली ऑटोनॉमस रहता है स्टेट, बोनट पार्टिज्म जो कंसेप्ट रहता है उसमें भी बोला जाता है कि स्टेट के पास एक कंसिडरेबल लिवरेज रहता है, ऑटोनॉमी रहती है रिलेटिवली, वेर नो वन क्लास इज डोमिनेटिंग, सिर्फ मतलब जहाँ पे दो तीन क्लास है जिसमें रिलेटिवली पावर रहती है दोनों में, तो वहाँ पे स्टेट के पास एक तरह की ऑटोनॉमी रहती है जिसमें वो डिसाइड कर सकता है किस जगह पे जाना। तो फिर निकोस पोलटन जो था उसने भी बोला था कि वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में वेलफेयर स्टेट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ पर्टिकुलर क्लास, क्योंकि यूनिवर्सल सफरेज तो आ चुका है तो उनके पास भी है राइट्स,
तो उनकी भी चलेगी थोड़ी सी, और कॉम्पिटेटिव पार्टिसिज्म वो भी है. Thus, Marxist theory of state gives us important insight of the internal working of the state and class dynamics as against the formal liberal conception. But Marx overlooked the state's relative autonomy and also failed to understand the worth of democracy and the rule of law to empower people. End कर दिया. इसका किसी का दूसरा इंटरप्रिटेशन या स्ट्रक्चर था क्या कुछ? क्लियर ही नहीं आएगा. हाँ थोड़ा यार आंसर इसमें क्लियर नहीं आया है. तो मैंने स्टार्ट वैसे किया कि स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट है और लिबरल के इसमें आया क्रिटिसिज्म में मार्क्स. फिर मार्क्स का मैंने बता दिया कि सोसाइटी बेसिक स्ट्रक्चर है और ऊपर के जो है वो ये है सुपर स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ इसका ये है रिफ्लेक्शन. फिर वो मतलब स्टेट सिर्फ इंस्ट्रूमेंट वगैरह है उसका. फिर मार्क्स के दो तीन स्टेटमेंट जो भी रहेंगे और कैसे वो बोलता है कि सोशलिस्ट को भी फिर रिवॉल्यूशन लाना चाहिए और अपना खड़ा कर देना चाहिए डिक्टेटरशिप प्रोलेटेरियन. इसमें उसका कंसेप्ट दे दिया ईच अकॉर्डिंग टू वर्क वगैरह. फिर उसके बाद वो कम्युनिज्म में आएगा जिसमें क्लासलेस सोसाइटी वगैरह रहेगा. यहाँ पे उसका नीड पूरी फुलफिश होगी और यहाँ पे ट्रू फ्रीडम जिएगा वगैरह जो डाला नहीं है उन्होंने लेकिन है तो उसकी एम्बेडेड ही. फिर उसके बाद दूसरों लोगों ने उसको ये किया कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल नेचर ही उसके बाद थोड़ी सी ऑटोनॉमी भी रहती है. और फिर दो तीन स्कॉलर के बाद एंड कर दिया कि डेमोक्रेसी भी वर्थ है और रूल ऑफ लॉ का भी वर्थ है जो आखिर में एम्पावरमेंट उसका भी एम ही था ना मार्क्स का. तो डेमोक्रेसी से भी हम एम्पावर कर ही सकते हैं. यार मतलब ये दोनों आंसर पढ़ने के बाद क्या लग रहा है कि मतलब कोई पॉइंट मिसिंग था क्या इनमें से किसी में? तो डिक्टेटरशिप प्रोलेटेरियन को और थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए था. पर ये क्रिटिकली एग्जामिन भी दिया है. कुछ है क्या आपके पास पॉइंट इस पे? भाई देख रहा हूँ क्रिटिकल एग्जाम है वो मैंने अभी देखा तो उसको सिंपल एक्सप्लेन तो करना नहीं पड़ेगा. आगे बढ़ लो मैं इसमें पॉइंट ग्रुप में डाल दूंगा मैं देख लेता हूँ. तो किस पॉइंट पे हमको क्रिटिसाइज करना चाहिए उसका? पूरी थ्योरी पे हाँ मतलब क्लास स्ट्रगल वाली और प्रोलेटेरियट वाली. आवाज नहीं है यार. मार्क्सिस्ट की जो पूरी थ्योरी है ना उसका पूरे का पूरा क्रिटिसिज्म बोल रहा हूँ मैं पूरे के पूरे का. एक बार मैं देख लेता हूँ मैं पर्टिकुलरली. एक मिनट आगे बढ़ लो इसमें या तो दोबारा आ जाएंगे या तो फिर मैं पॉइंट डाल दूंगा इसमें भी. मैं अभी वही देख रहा हूँ मैं. क्वेश्चन 9 सिमिलर ही है सर. व्हाट इज मेंट बाय रिलेटिव ऑटोनॉमी और स्टेट इन मार्क्सिस्ट एनालिसिस. निकुंज ने लिखा है इस पे. ये मैं एक बार रीड कर देता हूँ इसको. मार्क्सिस्ट एनालिसिस ऑफ स्टेट इज अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ लिबरल परव्यू ऑफ स्टेट दैट इज स्टेट इज न्यूट्रल और ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन. मार्क्सिस्ट स्कॉलर एम्फसाइज स्टेट इन टू अप्रोचेस दैट इज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड द स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव. For instrumentalist perspective, state is instrument of properties
of property class. Similar view given by Lenin, who held that the very existence of state shows irreconcilability of the class antagonism. On other hand, for structuralist state is because autonomous in some situations. That is why it is called as Marxist view on state perspective as relative autonomous. Marx in his book, First Brumaire of Louis Bonaparte, held that in some situations, state gains some amount of independence. He also analyzed under Napoleon Bonaparte, state became autonomous. Marx in this book also gives the concept of Bonapartism. That is where state executives become more powerful. For example, Italy under Mussolini and Germany under Hitler. Marxist structuralist scholar analyzed scholars like Gramsci and Althusser also held that state becomes autonomous in such circumstances. Gramsci, in his concept of base superstructure, held that civil society work as a shock absorber, that state not appear instrument of property in class, rather state appears autonomous in some situation, not in all. Althusser also held that state is not a mere reflection of base, rather state is structure in itself. This view gives support to the argument of Marx's view of state as relatively autonomous. Moreover, Italian scholar Nicos Poulantzas, in his book Political Power and Social Class, criticized Ralph Miliband's view on post-colonial state welfare state. Miliband held that managerial revolution is a myth. State in post-colonial society is still an instrument of dominant class. This view, criticized by Poulantzas, and argues that in the welfare societies, workers' right to vote. So, decision of the political party. The present decision of all class. So, Poulantzas argues that in welfare societies also, state become relative autonomous. But in some situations, state favors property class. मतलब ब्रॉडली इसने वो स्टार्ट उससे किया है ब्रोमेर और बोनापार्ट वाले से, और फिर इसने ग्राम्शी का व्यू दिया है और रैल्फ मिलिबैंड का व्यू दिया है कि स्टेट जो कुछ कंडीशंस में ऑटोनॉमस हो सकता है वो किया है, और फिर ने डिबेट को निकोलस पुलंतास और के ऊपर ले गया, रैल्फ मिलिबैंड के ऊपर. ठीक है, तो स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है क्या इसका? तो भाई सही तो लग रहा है, मतलब पहले उसने बता दिया कि वो ऑटोनॉमस नहीं है, मतलब पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट है. बाद में फिर बोनापार्टिज्म और पोलर जो इटालियन वाला था उसके से उसने बोला कि नहीं, रिलेटिवली ऑटोनॉमस है स्ट्रक्चर वाले जो है, उन्होंने जो व्यू दिया. लास्ट में शायद मेरे को लग रहा है कि पहले वाले क्वेश्चन जो मेरा था और ये वाले में शायद अपने को पॉजिटिव लिबरल वाला डालना चाहिए था, कि सिर्फ स्टेट सिर्फ डोमिनेशन का एक जरिया नहीं है, ऑटोनोमस रिलेटेड ऑटोनोमस के अलावा भी वो कैपेसिटी बिल्डिंग भी करता है, और फ्रीडम के जो एक्सपेक्ट है, जो आखिर में मार्क्स फ्रीडम के लिए चाहता था, वो डेमोक्रेसी में हम लोग ला ही सकते हैं आखिर में, ऐसा कुछ हिसाब से. वही अमर्त्य सेन का कि डेमोक्रेसी हैज इनहेरेंट वैल्यू, एजुकेटिव वैल्यू और दूसरे जो वैल्यूज है, इन लोगों ने नैरो कर दिया. हाँ,
निकोलस पुलंटाज और रेल्फ मिलिबैंड का इससे मतलब क्रिटिसाइज किया है क्या निकोलस पुलंटाज ने रेल्फ मिलिबैंड को? हाँ शायद ऐसा कुछ है तो सही, इन दोनों के बीच में कुछ नाटक था तो वो ओवर डेवलप्ड स्टेट में कुछ वो था ना, तो वो हमजा अलवी का था मिलिबैंड ने शायद ये बोला था कि क्योंकि अब मैनेजर का रोल मतलब जो इनका जो रोल था कैपिटलिस्ट का वो मैनेजर्स के इसमें आ चुका है क्योंकि अब मैनेजर्स जो आई थिंक ये ना जॉन बर्नम ने बोला था कि वो मैनेजर्स जो लोअर क्लास के पीपल है वो मैनेजर बन सकते हैं, तो फिर रैल्फ मिलिबैंड ने उसको क्रिटिसाइज किया था कि ऐसा नहीं है। हाँ मतलब मेरे को सिर्फ थियरी याद है, स्कॉलर याद नहीं है, तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना, ये तो उस डायरेक्शन में लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि रैल्फ मिलिबैंड बोल रहा है कि मैनेजरियल रेवोल्यूशन आ गया, यानी आगे लिख भी रहा है रैल्फ मिलिबैंड हेल्प मैनेजरियल रेवोल्यूशन। वो भी बोला है लाइक रैल्फ मिलिबैंड ने लाइक मैनेजरियल रेवोल्यूशन। अच्छा हां ये ठीक है। इस पे कौशिक ने आई थिंक इसने इस पे अगेंस्ट में कुछ नहीं डाला ना, फेवर में ही डाला शायद, मतलब उसे वो डिबेट पूरी एक्सप्लेन कर दी कि इंस्ट्रूमेंटल है लेकिन रिलेटिव ऑटोनोमस भी है ऐसा कुछ। ही गिव एग्जांपल्स लाइक इलेक्शन सिस्टम। इस पे कौशिक ने भी दो तीन एग्जांपल दिए क्राइसिस के अंदर, के क्राइसिस के अंदर इट फेवर्स कैपिटलिस्ट occupy wall street movement example bailout of banks by using taxpayer money। हां वो ही एग्जांपल मैम पोलैंड वाला है ना, लिबरल डेमोक्रेसी वाला शायद। मतलब वही मैं बोल रहा था कि एंड में क्या ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं स्टेट की ऑटोनॉमी मतलब एक क्लास से जुड़ी नहीं है पूरा, इट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल, ऐसा कुछ होना चाहिए क्या? फिर हमारे जो वैल्यूज जो है वो अलग डाल देंगे ऐसा कुछ। इसने उस पे पुलंताज वाले पे डाला है कि वेलफेयर सोसाइटी है वहाँ पे भी रिलेटिव ऑटोनॉमस रहता है बट इन सम सिचुएशन फेवर प्रॉपर्टी क्लास एंड फ्रेंडली केस पूरा नेगेटिव हो गया। तो कंक्लूजन से पहले लिखता तो ठीक है, कंक्लूजन में आई थिंक टू रियलिस्ट व्यू दे सकते हैं। हाँ प्लूरलिस्ट या सोशल लिबरल वाला जो व्यू वो भी प्लस वाला वो है। और कोई एडिशन इसमें करेंगे तो चलते हैं। टेंथ कमेंट ऑन प्लूरलिस्ट व्यू ऑफ द स्टेट, वरुण ने लिखा है, बोलोगे क्या इस पे? हाँ बोलता हूँ। I gave definition of political science like it is begins and ends with like definition of state like it begins and ends with state. And I mentioned like why this pluralist theory came like in the critique of monist theory of Hobbes and John Austin, and lastly like after he was felt disappointed after Nazism and fascism he gave like monist theory as legal fiction and textual approach, and he gave like man is multidimensional and federal, so and society is also federal, so he asked
for state to be also federal and decentralized, and Marx Bartlena. He's also like pluralist, but extreme pluralist. Like he doesn't give like he gives other institutions also the same way, like civil society. He places state at the same level of that institution, and this was then argued by Lasky. Like state should be the keystone architecture. And state comes prior to any other association, like organization, to maintain harmony and interest of the society. And Susan Strange, which like justified this as like there used to be one time where when state used to control market, but now markets are controlling the state. And this theory is also used by. Robert Dahl, like pluralist theory, shared sovereignty and power, and that's where I ended like that. So, to maintain peace and all. I mentioned pluralist theory very less, and I gave multiple dimensions. It was asked for 10 marks. It will become big, like Facebook and everything. At last, state sovereignty prevails, as Lasky said, like, but that also. Last में शायद ये बोल सकते थे कि मतलब state को वो एक तो ये भी कर रहे हैं, उनके sovereignty को ये भी कर रहे हैं कि सिर्फ एक association जैसा ही है, but ये भी बोलते हैं कि state एक keystone है, ऐसा कोई तो बोलता है, उस हिसाब से वो मतलब what the key needed to ऐसा कुछ फ्रेज है ना उससे एंड कर सकते हैं शायद एक तरह का एनालिसिस हो गया प्लुरलिस्ट थ्योरी के बारे में कि वो थ्योरी के बारे में क्या मतलब अपना उसका है वो बोल भी रहा है कि स्टेट के पावर को कम भी करना चाहता है वो तो रियलिटी जो बता रहा है लेकिन वो ये भी बोलता है कि स्टेट सबसे इम्पोर्टेंट एसोसिएशन में से भी है तो वही केक खाना भी है और चाहिए भी उसका ऐसा कुछ और भी है इस पे मैं काउंटर कुछ व्यू डाला है क्या समझ एक समीप ने भी स्ट्रक्चर लिखा है उसको देख लेगा वही कह रहा हूँ उसने कोई क्रिटिसिज्म मेंशन किया है क्या ठीक है एक बार पढ़ देता हूँ मैं प्लूरलिस्ट थ्योरी ट्रेसेस इट्स ओरिजिन इन रूसोस फिलोसफी ऑफ जनरल विल हु सेड इट इज द पीपल विद होम लाइज द पावर टू रूल फोर आर्ग्यूमेंट इज प्लूरलिस्ट इट रिप्यूडिएट्स अ सिंगल सेंटर ऑफ पावर इन द सोसाइटी इट इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर डिस्क्रिप्टिव साइड explains the working of democratic state. Normative side prescribes wherever the interests of some
influential sections get undue prominence, the situation should be rectified. Precursor legal theorist Leon Duguid contested the idea of sovereignty solely resting with the state. Modern liberal Lasky MacIver appeal for treating various social groups as different centers of power. नहीं लास्ट ईयर में काइवर का पढ़ दिया है मैंने उसके नीचे वाला. प्लूरलिस्ट बिलीव दैट स्टेट एक्ट एज ए न्यूट्रल आर्बिटर अमंग द कंपीटिंग ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल इन सोसाइटी. द स्टेट इज नॉट बायस्ड इन फेवर ऑफ एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट और ग्रुप एंड इट डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट ऑफ इट्स ओन दैट इज सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ द सोसाइटी. एग्जाम्पल रॉबर्ट डाल स्टेट एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स and therefore represents common good. Further, as Bauer, Bowser Mandel 1994 put it, the state is the servant of the society, not its master. The state's apparatus is therefore thought to conform to the principle of public service and political accountability. Criticism. So it's the Marxist criticism there, that the executive of the state is nothing but a committee managing the common affairs of the whole bourgeois. Then elitist criticism. State serves the elite. Robert Mickle and C. Wright Mill. Then competing groups may lack internal democracy. Dominant personality may project their own will as the will of whole group. Then changes in the light of criticism. New pluralist. In light of criticism, theorists such as Robert Dell, Charles Lindbloom have come to accept that modern industrialized states are both more complex and less responsive to popular pressures. Neo pluralists, for instance, have acknowledged that the business enjoys a privileged position in relation to the government that other groups clearly cannot rival. In Politics and Market 1980, Lindbloom pointed out as that major investor and the largest employer in society, business is bound to exercise considerable sway. Robert Dahl, dilemmas of pluralist democracy. Pluralism cannot be considered as open competition between truly equal political forces. Reform polyarchy. So India ka example there, ke picky for corporates, fragmented and trade unions. इन सब चीजों का आइडिया दिया उसने. और फिर कंक्लूजन क्या है, इन द प्रेजेंट डे लिबरल डेमोक्रेसी यू कैन नॉट फाइंड प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट एज क्लोज टू एम्पेरिकल रियलिटी विद द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल प्रेशर ग्रुप एक्टिव सिविल सोसाइटी एक्सेट्रा प्ले एन इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग. ये दिया है जो पूछा था वो काफी सही से एड्रेस किया है. हाँ मतलब पूरे दिया है स्ट्रक्चर उसमें मार्क्सिस्ट के साथ साथ रॉबर्ट डालर वो सब भी दिया है. क्रोनोलॉजिकली है शायद मतलब पहले वाले प्लूरलिस्ट उसके बाद मार्क्सिस्ट ने उनको ये किया और फिर उन लोगों ने चेंज कर लिया मतलब रॉबर्ट डाल और उन लोगों ने डिफॉर्म्ड पॉलियार्की वो सब चालू कर दिया. ट्रांसर जो था मतलब लास्ट का जो कंक्लूजन है वो भी बता रहे एफिकेसी या सिग्निफिकेंस ऑफ प्लूरलिस्ट सोसाइटी मतलब थियरी जो कि है मतलब हम लोग देख सकते हैं मल्टीपल प्रेशर के ऊपर उसमें वो भी सही है. ठीक है फिर नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन 11 था कॉमेंट ऑन द डिस्कवरी ऑफ सॉवरेन इन अ फेडरल स्टेट इज इम्पॉसिबल एडवेंचर. यस की अनु पढ़ देगा क्या इसको. इसने आई थिंक स्ट्रक्चर दिया हुआ है. स्ट्रक्चर दिया हुआ क्या
ईश्वर धर्म के इतिहास ही क्यों आ गया मैं भी इसका आंसर है स्ट्रक्चर दिया हुआ है नीचे करना समझाओ बैठा के जरा इसको इतना लिख लिया हमने तो अंदर हां स्ट्रक्चर दिया ठीक है देख ले रहा है एक बार आप तो बेसिकली वो लेस्टी का ही आइडिया है वो अपन देखा था ना सुरेलिस्ट वो आइडिया के मतलब क्या था यार उसका फेडरल था हाँ सॉरी फेडरल करेक्ट तो सॉवरेनिटी कंसेप्ट उसने शुरू किया है कि ऑफ ऑस्टिन में रहेगा तो मेनली मोनेस्टिक था जस्टिफिकेशन वॉर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट दस नीड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड वॉर अराइज हुआ और ये डिनोट करता है मल्टीपल सेंटर ऑफ अथॉरिटी होगा देयरफॉर प्लूरलिस्टिक क्रीप की प्रोपोनेंट लिस्ट की फर्दर सोसाइटी इज फेडरल तो मल्टी डिमेंशनल यूनिवर्स है मल्टी डिमेंशनल मैन है देयरफॉर मल्टीपल नीड्स है तो विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय अ सिंगल स्टेट नीड मेनी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट शुड नॉट हैव मोनोपोली दस ऑस्ट्रेलियन सॉवरेनिटी इम्पॉसिबल मिस एडवेंचर है हाउएवर स्टेट इज नॉट इक्वल विद अदर इंस्टीट्यूशन हाउएवर स्टेट इज नॉट इक्वल विद अदर इंस्टीट्यूशन दैट इज द स्टेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट या स्टेट इज द कीस्टोन ऑफ सोशल आर्किटेक्चर एज इट परफॉर्म्स द वर्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड इक्विलिब्रियम मेकर क्रिटिसिज्म इनकंसिस्टेंट व्यू नीदर रिमूव नॉर गिव अ कंप्लीट सॉवरेनिटी टू स्टेट तो वो जो पलाश ने बोला था ना वॉन्ट टू ईट द केक ऑल्सो एंड ऑल्सो सेव इट वो वाला डिलेमा है ऑन द अदर हैंड एनार्किस्ट अबॉलिश स्टेट सॉवरेनिटी एट ऑल कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस पॉलियार्की रॉबर्ट डेल शेयरिंग ऑफ सॉवरेनिटी इन पावर ठीक है तो पॉइंट्स में कुछ और एडिशन था क्या इसके अंदर Like, what about the second part? Is an impossible adventure. उसको शायद वो थोड़ा explain कर सकता था मतलब obviously वो inbuilt तो है ही pluralist की theory में लेकिन explicitly लिखना भी चाहिए था मतलब ना हाँ वो तो structure दिया है बाकी लिखता तो I think एक आध पैरा लिख देते हैं पावर कंसेंट्रेटेड नहीं है जैसे मोनोस्टिक वगैरह बोल रहे थे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है वही फेडरल पे तो सोवरेन को हमको अगर देखना है तो वो हमको सारे ग्रुप्स में हम देख सकते हैं अगर रॉबर्ट हाल का देखना है और अगर मतलब दूसरे जो है कुछ के पास ज़्यादा कुछ के पास कम है ऐसे कुछ रहेगा मतलब एक के पास पूरा का पूरा कंसेंट्रेशन नहीं है डिफ्यूज टाइप का है मैकाइवर भी डाल सकते थे एक्सट्रीम प्लूरलिस्ट वाले में ठीक है आई थिंक देन फिर नेक्स्ट पे चलते हैं तो पहले भी डिस्कस हो गया क्वेश्चन 12 मेक असेसमेंट ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट होगा इतने पे लिखा है So, make assessment of post-colonial understanding of state. Colonialism is a term of Marxist discourse. They define imperialism as colonialism. The post-colonial states are those which have been under colonial powers. And these states are continuing with the legacy of colonialism called new colonialism set by Kwame Nkrumah. Different post-colonial thinkers analyze state in different perspectives. According to liberal discourse F.W. Rigg, these are prismatic societies, that is, states are in transition phase. Traditionalist societies making towards modernization. He also gives eight different features of these states.
Gunnar Myrdal, a prominent scholar, in his analysis, in his famous in this analysis, famous for soft state theory, particularly for India. According to him, India will never be successful in eradicating poverty because of India's soft nature toward law implementation, and that's why lawlessness and corruption become outcome of this soft state. To study post-colonial state, Marxists two school have given different approach. According to instrumentalist dependency school, mainly focuses on third world country, primarily Latin America and Africa. The prominent scholar are A.G. Frank, Samir Amin, Emmanuel Wallerstein. They had categorized states into two groups, core state, periphery state, core or developed and periphery underdeveloped. Here, peripheral countries are in dependency with the core countries and it leads to unequal exchange and uneven development. However, second Marxist school structuralists, they reject instrumentalist school thought. Prominent scholars like Hamza Alvi focus mainly on South Asia, particularly Pakistan, term them as overdeveloped state. That is where economic structure remains traditionalist and political structure becomes modern. Hence, different school of thought has different views regarding post-colonial state. However, it can be said that India is one of the exceptions, become the largest democratic state after ending of its colonial supremacy or post-colonial state. यार इस पे दिया मतलब लग रहा है मार्क्सिस का क्या दिया है मतलब इसमें मार्क्सिस का दो डिफरेंट स्कूल्स में दिया है स्ट्रक्चरलिस्ट और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में बोला है कि क्या नाम बोलते हैं यहाँ सिर्फ कोर और पेरिफेरीज में दे दिया है कि यहाँ पे सिर्फ अंडर डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट होता है तो मैनुअल वॉलस्टीन और उन सब का डाल के और फिर नेक्स्ट इन्होंने उसका दे दिया है क्या नाम बोलते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट का हमजा अलवी वगैरह वगैरह ये सॉफ्ट स्पेस होते हैं Also give perspective of Gayatri Spivak and Edward Said. क्योंकि post-colonial बोलते हैं कि शायद वो Marxist theory के इससे ही निकला ऐसा कुछ। नहीं but Gayatri Spivak जो है वो state के perspective में है क्या उसका view? अरे नीलेश को पूछो नीलेश? ये सुजैन ने लिखा था ना सुजैन? Mic off है शायद आपका। हाँ एक्चुअली इन्होंने भी हाँ स्टेट के रिस्पेक्ट में भी इन्होंने थोड़ा थोड़ा बोला था मुझे भी एग्जैक्टली स्टेटमेंट ने याद नहीं है बट इन्होंने मतलब इस चीज़ को पूरा प्रॉपर डिफाइन किया था कि जो पोस्ट कॉलोनियल थियरी है उसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों थ्री और इनका उनकी कोई बुक भी थी ना शायद कैंसर वोल्टर हाँ स्पीक समथिंग उसमें उन्होंने ये बोला ना कि जिससे पहले की डेफिनेशन जो स्टेट की दे रहे थे वो लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दे रहे थे तो लाइक देयर शुड बी अ डिफरेंट definition of even definition of state according to the like post colonial countries yes. मतलब क्या बोलते हैं उनका imperialism ideological domain में भी है ऐसा कुछ ना academic ऐसा कुछ हाँ हाँ मतलब पहले define ही like ignore कर दिया था उन सारे aspect को जो कि यहाँ पर है different culture सब चीजें तो उन्होंने अपने according define की थी सारी चीजें
एंडिंग का कैसा करना है, मतलब कोई एग्जांपल बेटर रहेगा ठीक से इंडिया वाला जो दिए। आई थिंक नोट्स में है ना ये वाला, तो मैम ने भी कंक्लूड ऐसे ही किया हुआ। तो भी और सही है क्या ऑल्टरनेटिव है क्या कोई कंक्लूजन? रिमेन्स कंटेस्टेड। इनकंटेस्टेड तो यही इंडिया वाला ही है। मतलब इंडिया क्यों सक्सेसफुल है ऐसा कुछ होना भी चाहिए ना, एक आध स्टेटमेंट लिखवाया था आई थिंक, उसको देखना पड़ेगा। तो मृदाल जो भी था, वो गुनार जो भी था, उसने बोला कि सॉफ्ट स्टेट है तो हम लोग डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखा हमने और पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के कारण इंडिया इज प्रूविंग रॉन्ग, ऐसा कुछ रहेगा क्या? पावर्टी वी कैन मेंशन लाइक पावर्टी कंफ्यूजन में तो वैसे भी हम कर ही सकते हैं थोड़ा बहुत, पहले प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी एग्जांपल तो जब तक तक स्कीम वीम डाल इंडिया का वो सपोर्ट कर 300 मिलियन इनटू हाँ, ये भी बोलते हैं ना कि इंडिया का वो जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो भी बहुत चेंज हुआ, लाइक फ्रॉम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स टू आइडेंटिटी प्लस पॉलिटिक्स, लाइक ऐसे भी डेवलपमेंट हुआ है और पॉजिटिव भी काफी सारी चीजें हुई हैं जो कि उन्होंने डिफाइन नहीं की थी। एरेडिकेशन ऑफ पोलियो सही है, हाँ ठीक है, उस लाइंस पे करना सही रहेगा। थोड़े पॉइंट्स ये भी आ सकते हैं कि जो अभी का प्रेजेंट का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स का, वो उसकी हिस्ट्री और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पावर्स और जो स्ट्रक्चर थे उससे बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो रखा है, और जो अभी की पॉलिटिक्स है वो चाहे वो अफ्रीका एशिया या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की हो, पोस्ट वो सॉरी आपकी ये कॉलोनाइजर से बहुत ज़्यादा वो हो रखी है, क्या बोलते हैं, इंस्पायर हो रखी है। ये यंग का है। दूसरा बिल वैरन का अगेन यहाँ पे डाल सकते हैं, जो मार्क्सिस्ट कॉलर था कि कैसे जो है कॉलोनाइजर्स थे उनके रहने की वजह से जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं उनका जो अमेरिका स्टेट है वो काफी अच्छा है, मतलब उन्होंने वेलफेयर और काफी अच्छे काम करे, मतलब वो बेसिकली ये नहीं बोलता, बेसिकली वो मतलब तारीफ करता है कॉलोनाइजर्स की, कॉलोनाइजर ने कॉलोनीज के भले के लिए काम किया है, तो ये तो अच्छा साइड हो गया। अब बुरे साइड में आप ये पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में हमजा अलावी ओवर डेवलप स्टेट वाला कॉन्सेप्ट डाल सकते हो, उसमें शायद इंडिया के अलावा पाकिस्तान वाला भी आना चाहिए जो सॉफ्ट स्टेट का एग्जाम्पल है, वो डाला था उसने पाकिस्तान तो डाला। सॉरी मैं एक्चुअली जब ये डिस्कस हो रहा था मैं वो मार्क्सिस्ट वाले के क्रिटिसिज्म लिख रहा था, तो काफी लंबा सा था तो मैंने पूरा सुना नहीं है, तो हाँ हमजा लावी वाला पूरा वो आ सकता है। उसके अलावा इंडिया वाले में एक और स्कॉलर था कोई पोस्ट कॉलोनियलिस्ट उसमें मेरे को याद नहीं आ रहा, एक और स्कॉलर था हमजा लावी के अलावा जो कि सुजैन बोल रही थी गायत्री सिवा। नहीं, ठीक है डाल तो डाल देना है, नेक्स्ट पे चलते हैं ना। तो लास्ट वाज कमेंट ऑन पॉलीआर्की, तो ये थोड़ा फट रीड कर लो, चलो रीड कर देगा क्या? या In order to counter view of CWML about democracy in USA being oligarchy and concentration of power or decision making in the hands of power elite, Robert Dahl has conducted survey in New Haven in Connecticut state. Dahl in a study published under Who Governs found that it is wrong to believe that complete concentration of power is in the hands of the elite. He observed that there are powerful interest groups and associations of people, where people exercise power as a member of group rather than individual capacity. According to Dahl, power elites do not take decisions
affecting day-to-day life of the people according to Tehel. Distribution of power in USA is not as narrow as suggested by C.W. Mill, rather it is widely distributed among different racial groups. Thus, Tehel called USA's polyarchy rule of masters based on assumption that people are making decision on it as an individual. Polyarchy can be described as the best practical form of democracy, as pointed out by Aristotle. Western liberal societies can be called as polyarchy. Thus, for pluralist, democracy as a rule of all is, you know, correct word. I think upper ka shayad line cut gaya. It is rule of many rather than rule of one. Scholars recognized features like rule of law, separation of powers, independent judiciary, etc. as features of polyarchy. However, Tehel in his later work revised his view of polyarchy. He acknowledged that in US, all pressure groups do not share same power. He held that in US, the polyarchy is reformed and corporates enjoy more power. Power is more favorable for corporates. इस सेमी लाइन पे उसने हुआ है तो यही खत्म हो गया क्या नहीं ये भी नहीं थे हेंस वी कैन से दैट देहल इन हिज एनालिसिस कम्स मोर नियर मार्क्स कम्स नियर मार्क्सिस्ट व्यू दैट पावर इज क्लास कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉर्पोरेट एक्सरसाइज पावर मार्क्सिस्ट के जगह आई थिंक सी राइट मिल ही लिख देता ना नहीं आई थिंक ये मैम ने भी लिखा है नियो मार्क्सिस्ट का जैसे वो नियो मार्क्सिस्ट और आई थिंक किसी और से भी हमने इसको रिलेट किया ये कैपिटलिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं ना मतलब इसलिए बोला है मार्क्सिस्ट को इसके अलावा जो समीप का आंसर था ना पहले के क्वेश्चन में पॉलीआर्की रिलेटेड उस पर ऐसे कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं अच्छा जो ये पॉलीआर्की बोला उसने उसमें एरिस्टोटल का डाल सकता है क्या अपन पॉलिटिक्स वाला उसमें भी उसने बोला था कि रूल ऑफ मेनी बट नॉट टू मेनी एंड आल्सो नॉट रूल ऑफ टू मच ऐसा कुछ वाला जिसमें वो मिडिल पाथ लेता है ऐसा कुछ हां डाला है इसमें एरिस्टोटल का डाला है इसमें तो डाल रहे हैं पासिंग रेफरेंस दिया है इसने एरिस्टोटल का सही है ठीक है ऑलराइट नेक्स्ट पे चलते हैं मतलब ठीक है ना और कोई पॉइंट ज्यादा कुछ मिसिंग तो नहीं था समीप ने क्या डाला था पिछली बार वो लिंडब्लॉम और चार्ल्स लिंडब्लॉम और भी कुछ कुछ आते हैं चार्ल्स लिंडब्लॉम के साथ उसने वापस अपनी पॉलिसी ये रिवाइज करी थी ना हाँ, रॉबर्ट डाल तो वो वाली चीज है डाल का रिवीजन ही होगा ना हाँ मतलब ये बस लिंडब्लूम ही है ना एक बाकी तो उसने लिखा ही ये वाला पॉइंट है इसने राइट एक क्वेश्चन बच गया था ना ऊपर मेरा क्वेश्चन बच गया था अंतर फोर्थ फोर्थ इट्स दो बेसिक का ही है ऑप्शन नोशन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन तो बेसिस तो आई थिंक कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का उसकी ह्यूमन नेचर और सोवरेनिटी से तो मैंने बस एक कोड डाल दिया जिसमें वो पूरा आ जाए कि हाउ ऑब्लिगेशन इज अ मास्टरपीस लिंक डाउन सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन नेचर सोवरेनिटी एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन रेड माइकल ओकशॉट उसके बाद फिर मैंने इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में दे दिया स्टेट ऑफ नेचर नेस्ट प्योर ब्यूटी शॉट ये माइकल राइट और फिर मैंने ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब कर दिया शानू माइक ज्यादा पास ले गया थोड़ा थोड़ा स्लो बोल बहुत फास्ट जा रहा है हाँ तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के ऊपर एक कोट मिला था तो मैंने उसी से स्टार्ट कर दिया माइकल ओकशॉट का और फिर मैंने इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दे दिया जिसके ऊपर उसने जिसने बताया था कि स्टेट ऑफ नेचर इज नास्टी ब्रूटिश एंड शॉर्ट योर माइक इज राइट और फिर मैंने ह्यूमन नेचर बताया पेसिमिस्टिक व्यू था जहाँ पे एनआर और उसका जो इन्फ्लुएंस था वो एनआरकी जो उस टाइम पे इंग्लैंड में चल रही थी उसके ऊपर के बेसिस पे बनाया उसने और वही मैनेज यूटिलिटेरियन बाय नेचर तो उसमें पैशन डोमिनेट करता है रीजन तो फिर उसने सजेस्ट किया पावरफुल स्टेट जहाँ पे ऑब्लिगेटरी हो जाएगा सिटीजन को कि अनकंडीशनल ओबीडियंस हो स्टेट अथॉरिटी तो
वही सिर्फ राइट्स को एंजॉय कर पाएंगे जो ग्रांट करेगा स्टेट। तो एब्सोल्यूटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में उसने अपनी थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी भी दी थी, जहाँ पे लॉज मेड बाय स्टेट वुड प्रिवेल और कस्टम पर चर्च नहीं करेंगे। तो सिटीजन्स ने सारे नेचुरल राइट एक्सेप्ट द राइट टू लाइफ सोवरेन बॉडी को वो ट्रांसफर कर दिए थे, जो कि परमानेंट और इंडिविजुअल। और फिर वही कोअर्सिव पावर एज अ बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन, और स्टेट के पास पावर होती है पनिश करने की जो नहीं करेगा, बिकॉज गवर्नेंस विदाउट सोर्स आर मेयर वॉर। और फिर मैं क्रिटिसिज्म पे आता हूँ कि डेविड कॉथियर ने इसको क्रिटिसाइज किया था कि ये ऑथराइजेशन पे बेस्ड है रादर देन कोवेनेंट, और उसका एब्सोल्यूटिज्म इज आल्सो क्रिटिसाइज्ड बाय जॉन लॉक फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग एंड लिबर्टी। और उसकी जो मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी थी वो लास्की ने करी थी क्रिटिसाइज कि नीड्स ऑफ मैन आर मल्टी डायमेंशनल, तो एक सिंगल एसोसिएशन कांट फुलफिल द नीड्स ऑफ मैन, और वो मोनोपोली नहीं क्लेम कर सकता उनकी ऑब्लिगेशन के ऊपर। तो साबिन ने इसी को काउंटर किया था कि एब्सोल्यूट स्टेट इज एक्चुअली फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, और निस्बत ने भी इसी चीज पे उसको वो किया था कि एब्सोल्यूट स्टेट अगर होगा तो इन्वायरमेंट वो क्रिएट करेगा इन्वायरमेंट फॉर इंडिविजुअल सुपरसीडिंग दैट। क्योंकि 10 मार्क्स का था तो मैंने 2 पेज में खत्म किया, या 15 का होता तो उसमें शायद थोड़ा हम वो क्या दंड नीति और वो जो मत्स्य न्याय जो इंडियन कॉन्सेप्ट थे उससे भी रिलेट कर सकते थे, और फिर गांधी भी कर सकते थे 15 मार्क्स का होता। और भी कुछ पॉइंट्स है तो बता। नहीं नहीं मतलब ठीक है, मतलब सारा आंसर वही है जो आपने जो बताया स्टेट ऑफ नेचर वाला, बस ये वाला दे देना था स्टार्टिंग में, मतलब जब स्टेट ऑफ नेचर बोली रहते अपन कि कंडीशंस में, क्योंकि वहां पे 2-3 पावर्स थी थोड़ा कंफ्यूजन और केओस हो चुका था कि किसका होना चाहिए, मतलब रूल किसका प्रिवेल होना चाहिए, थियोरी ऑफ टू सॉर्ट वाला दे देते हैं। और उसके बाद मतलब इसलिए नेसेसिटी में हॉब्स को ये करना पड़ा, पूरी पूरी पावर देना पड़ा। तो थोड़ा ये टू स्टोर्स तो ये चर्च के रेस्पेक्ट में थी ना शायद। हाँ तो वो नीचे आई थिंक आई कुड हैव डन, जहाँ पे मैं चर्च का पॉइंट बता रहा था। अच्छा ऊपर नहीं तो स्टेयर में। हाँ इसमें कुछ 2-3 कीवर्ड्स मिसिंग है, जैसे सोशल कॉन्टैक्ट की, मतलब हाँ वो सारे को कवर करेगा कि स्टेट ऑफ नेचर था, स्टेट ऑफ फिर उसका सोशल कॉन्टैक्ट में आते हैं। Eventually, मतलब हॉब्स ने एक बात बोली थी कि ना कि ये जो जनरेशन है लिवायथन की है एंड नॉट द जनरेशन ऑफ मॉडल गॉड या इमॉर्टल गॉड जो पीस और डिफेंस को देखता है। तो बेसिकली उसने बात करी थी कि सोवरेन बनेगा वो 2 तरीके से बन सकता है, जो मतलब कॉमनवेल्थ में जो सोवरेन अथॉरिटी आएगी, या तो एक्विजिशन से या इंस्टीट्यूशन से। एक्विजिशन तब आएगा जब किसी को थ्रेटन किया जाएगा सबमिशन के लिए, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन तब आएगा जब कंसेंट से ओवे होगा, चाहे भले ही जो है जो सब्जेक्ट है जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है उन्होंने इस बात की चॉइस हो उनके पास कि कौन जो है पावर को वील्ड कर रहा है। तो बेसिकली ये बोला था कि कंसेंट दे दिया गया है तो चाहे वो ऑब्लिगेशन हो, सॉरी चाहे वो एक्विजिशन हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, तो भैया आपको जो है बात तो माननी पड़ेगी स्टेट की। तो एक तरह से स्टेट जो है सॉवरेन बन चुका है। दूसरी बात, हॉब्स ने सॉवरेन पावर को जो है अनडिवाइडेड, अनलिमिटेड, अनएलिनेबल और परमानेंट, मतलब जो हर जगह हम लोग कोट करते हैं, वो सारा बोला था। और उसने बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट ने जो है स्टेट और गवर्नमेंट को साइमल्टेनियसली एस्टैब्लिश किया है और वो डिफेंड करता है एब्सोल्यूट स्टेट पावर को इन रियलिटी में, ताकि सॉरी एब्सोल्यूट स्टेट पावर को डिफेंड करता है वो एज अ वे की वो जस्टिफाई करता है गवर्नमेंट और या फिर मोनार्की को, मतलब बेसिकली एब्सोल्यूट पावर को वो करता है, फेवर करता है एक तरह से सॉवरेन के नाम पे। और वो इसकी बात भी ये बोलता है कि जो लोग हैं या तो उनके ऊपर मतलब या तो वो फोर्स किया जाएगा उनको सॉवरेन के अंडर, या तो फिर वो डायरेक्टली स्पेशल थ्रू उनको मतलब उनके ऊपर रूल किया जाएगा। और बेसिकली उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर छोड़ने के बाद उन्होंने जो अपना कंसेंट दे दिया है तो उन्हें बात तो माननी पड़ेगी, मतलब बेसिकली आगे जाके वोल्टेयर भी था, उसने भी हॉब्स के इस व्यू को फेवर किया था कि जो एब्सोल्यूट अनडिवाइडेड सॉवरेन पावर है, और ये बाय द वे डिस्पोर्टिंग नहीं होगी ये भी कहा था, ये वोल्टेयर ने कहा था बाय द वे ये वाला पॉइंट। डिस्पोटिंग क्या? डेस्पोटिक, डेस्पोटिज्म होता है डेस्पोटिज्म। अच्छा डेस्पोटिज्म, ओके। हाँ
डेस्पोटिज्म, तो वोल्टेयर ने उसको उसको मतलब आगे जाके थोड़ा सपोर्ट किया था उसके व्यू को कि एब्सोल्यूट स्टेट पावर होना चाहिए, सॉवरेन मतलब एब्सोल्यूट अनडिवाइडेड सॉवरेन पावर होना चाहिए, व्हिच हाउएवर वुड नॉट बी डेस्पोटिक। मेरे को गलती से मेरी मेरे लैपटॉप में एक बुक मिल गई, वो मैं शेयर कर दूंगा, उसमें बहुत कुछ है मतलब जो हमें सारे पीएसआईआर के मतलब मेरे को सही लग रहा है कि पीवाईक्यू सारे शायद इसमें से दे रखे हैं जो भी मिले मेरे को। तो यही बोल रहा हूं Why state is sovereign and why should we obey the state? Because हमने इसको consent दे के रखा था। Consent दे दिया, अगर consent नहीं भी दिया तो भैया आपने right, आपने right छोड़ दिया, आप state में आ चुके हो, तो state या तो acquisition से या फिर institution से वो तो rule करेगा, तो आपके पास तो करी। और social मतलब social contract में हमारा consent है ही ना, मतलब contract से theory मतलब। क्योंकि आप state वो तो आप छोड़ चुके ना, state of nature छोड़ चुके आप, आप social contract में आ चुके हो। हाँ वही मतलब consent तो है ना, मतलब social contract है तो। मतलब कंसेंट मतलब है ही ना, मतलब ऐसा मैं डाउट में बोल रहा हूँ। नहीं 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 हाँ है बिल्कुल है, और यही बात जो आगे जाके जो बेंथम और जॉन ऑस्टिन बेसिकली बहुत बड़ा नाम है जिसने सॉवरेनिटी को पूरा डिफाइन किया है, तो बेसिकली हॉब्स के व्यू को ही आगे जाके रिपोर्ट करते हैं कि ये व्यू है और इसी हिसाब से चलेगा। बाय द वे ये जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ इसको मैं शेयर कर लूंगा, इसमें आपका प्लेटो से लेके मार्क्स तक के सारे थिंकर्स के बारे में दे रखा है और अच्छे से दे रखा है, तो वो देख लेगा। मैं शेयर कर दी हूँ पीडीएफ भेज रहा है, टाइम मिलने के बाद देख लेना इसको, बहुत सही बुक है, मुझे बहुत कुछ मिल गया इसमें, बहुत ही कुछ कि भाई यूज़ कर। 15 मार्क का हुआ तो फिर लॉग वॉक भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन, इसमें वो पूरे राइट पूरे था। हाँ उसको थोड़ा सा मतलब एक खुद दिया ही है उसने, थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्रिटिसिज्म में। मैंने एक एक पैराग्राफ में दो दो थिंकर घुसा दिए, तो आई थिंक अलग अलग कोई 10 मार्क का ना। ठीक है ठीक है। Right. तो यार अभी एक क्वेश्चन शायद रह गया है इसके अंदर, थर्ड वाला। हाँ थर्ड वाला ये तो था, नहीं ये फोर्थ था, कौन सा रह गया? सेकंड सेकंड वो तो सेम ही था ना। डू यू थिंक द मॉडर्न नेशन स्टेट हैज बीन डिक्लाइनिंग इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन? तो जो एक्सटर्नल अच्छा और कौन, यही रह गया ना? हाँ यही रह गया। तो ये तो ऑलरेडी मतलब फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है मैंने वो मतलब वो ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया उसको, तो वो सारा इसमें यूज होता है। मतलब मैं तो बोलने वाला था पहले, मतलब लिखने वाला था कि पहला दूसरा क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंक्रोनाइज करते हैं दूसरे से, क्योंकि बेसिकली लिखा है ना कि डू यू थिंक द मॉडर्न नेशन स्टेट अभी आ रहा हूं मैं आप हैज बीन डिक्लाइनिंग इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के टाइम में आप वही जो तीन चार मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं कि आपका एक तो स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स हो गया, दूसरा ट्रांसनेशनल जहाँ पे सुप्रानेशनल सॉवरेनिटी की बात आती है तो डिक्लाइन हो रहा है स्टेट का, ऑब्वियस बात है। तीसरा आपका जो आपके ये हो गए बाकी एक्टर्स हो गए, टेररिज्म हो गया, या आपके जो क्या क्या था एक बार मैं बता देता हूँ, वो समीप ने कहा भी था कि मैंने एक्सटर्नल पॉइंट ज्यादा आ गया और मैंने सही में वो इंटरनल स्टेट वाले पॉइंट छोड़ दिए थे, तो ग्लोबलाइजेशन में डिक्लाइन हुआ वो ये सारे है। स्टेट नॉन स्टेट एक्टर हो गया जहाँ पे रिडक्शनिज्म हो गया उसका पावर्स का, और जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या एमएनसी या ग्लोबल मीडिया की वजह से और एनजीओ जो ह्यूमन राइट्स एमनेस्टी इंटरनेशनल की वजह से जो है सॉवरेनिटी का वायलेशन या उनका जो है थोड़ा रोल कम हो गया है, ठीक है, स्टेट का। ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन हो गया, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हुआ, चाहे वो आपका यहाँ देख लो आप क्या बोलते हैं आपका ये वो क्या है वो मेक्सिको यूएसए और कनाडा वाला यूएसएमसीए। हाँ तो एक बार एक तरह से अगर वहां भी देखता हूँ, उसमें भी कंपेरेटिव में भी पढ़ा था कि कैसे जो है यूएसए आपके जो वो होता है क्या बोलते हैं इंटरनेशनल आईएमएफ सॉरी एक क्या था वो IDU इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन और बाकी सब में जो है अपनी वो डोमिनेशन की वजह से मेक्सिको के जो लॉज है उनको ओवरराइड कर देता है, ठीक है, वो एक तरह का एग्जांपल है। बाकी ट्रांसनेशनल में यूरोपियन यूनियन हो गया, यहाँ पे सुप्रानेशनल सॉवरेनिटी की बात करती है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए IDU लिंकेटर का भी डाल दो कि IDU लिंकेटर तो बोलता है कि आगे जाके कि बॉर्डरलेस होना चाहिए और ज्यादा इंटीग्रेशन होना चाहिए, तो वहाँ पे तो स्टेट की सॉवरेनिटी एक तरह से पूरी खत्म हो जाएगी, तो मॉडर्न नेशन स्टेट एक तरह से बाउंड्रीलेस होने के बाद शायद कोलैप्स कर जाएगा, शायद कर ही जाएगा। तीसरा आपका ये हो गया ग्रोइंग चैलेंजेस जो टेररिज्म से हो गए, एथनो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गए, आपके सोफिस्टिकेटेड वेपनरी हो गई, इसमें सारे आएंगे, खुर्देश आ गए आपके, क्योंकि बेसिकली ग्लोबलाइजेशन यहाँ भी तो हो रहा है ना। अब आप एग्जांपल देखो चाइना में कुछ होता है तो चाइना में मतलब जैसे हमारे यहाँ नक्सल्स को बोलते नहीं है कि नक्सल्स को जो आर्म्स और वेपनरी सप्लाई करते हैं वो बाहर से चाइनीज कर रहे हैं। सिमिलरली अगर एग्जाम्पल देखें कि तो जो खुर्देश है उनको रशिया बैक कर रहा है, आपके जो यमन में हाउदी रिबल्स हैं उनको कोई और बैक कर रहा है, तो बेसिकली मतलब कि विद इन द स्टेट और अमंग द स्टेट्स आपके जो है जो ये वो है वॉरफेयर है वो इंटरनेशनल लेवल में ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है काफी ज्यादा परपेचुएट कर रहा है, तो मॉडर्न नेशन स्टेट कहीं ना कहीं कोलैप्स कर रहे हैं। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो, चाहे वो लीबिया हो गया, सोमालिया हो गया, जहाँ पे मतलब ये सारे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं,
या अभी रिसेंटली ग्रीस में जैसे प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी, खैर वो तो खैर कंट्रोल हो गई थी, इतना बड़ा भी हुआ था। और फाइनली मतलब कि आप ये देखो मार्क्सिस्ट का जो वो है जो क्लेम करते हैं सॉवरेनिटी को, कैसे कैसे सॉवरेनिटी का फेलियर हुआ है और कैसे मॉडर्न नेशन स्टेट कोलैप्स कर रहे हैं, इसमें विलियम वॉलेंस्टीन और एनी फ्रैंक का वो जो थ्योरीज हैं उनको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्राइसिस में तो काफ़ी कुछ है मतलब लिखने के लिए, काफ़ी ज़्यादा वही मतलब वही लाइंस में लिखना पड़ेगा थोड़ा। स्टार्टिंग में थोड़ा मॉडर्न नेशन स्टेट का बता सकते हैं कि कैसे वो आया है वगैरह, और मतलब उसकी एफिकेसी का, क्योंकि यूनिवर्सल हो चुका है वो, हर जगह उसकी प्रिमेसी हो चुकी है, वो देखने को मिल रहा है हम लोग। लेकिन फिर हमको मालूम चला कि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वर्ल्ड वॉर्स हुए, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हुआ, तब हमको रीथिंक करने की जरूरत पड़ी। और फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन ने तो पूरी डायनेमिक्स ही चेंज कर दी वगैरह, उसमें वो सारा डाल सकते हैं, ग्लोबल इश्यूज हो गए, आपके ग्लोबल एक्टर्स आ चुके हैं, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही इंटरलिंकेजेस ऑफ इश्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज और सारा आ चुका है। इससे इसके पॉजिटिव बता देंगे अपन क्या क्या हुआ है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, ये हुआ वो हुआ, नेगेटिव बता देंगे कि कैसे आ चुके हैं, मतलब कुछ डेवलप स्टेट्स का नाटक है, डेवलपिंग का कुछ नाटक है, कैसे कई कई ह्यूमन राइट्स कभी भी वायलेशन होता है, यूएन का रोल और दूसरे जो मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन थे, स्टिगलिट्स का डेमोक्रेटिक डेफिसिट वगैरह बता देंगे। फिर ऐसा बता, फिर 2008 क्राइसिस में न्यू लिबरल और वो ग्लोबलाइजेशन दोनों को ही एक वापस क्वेश्चनेबल इसमें आ चुके कि क्या हमें परस्यू करना चाहिए ऐसा सिस्टम जो कभी भी कोलैप्स हो सकता है, उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन लग चुका है। और फिर हम देख रहे हैं कि कैसे मतलब ऐसे जो क्राइसिस चलते ही आ रहे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस और वो सब, अब ट्रेड वॉर प्रोटेक्शनिज्म बढ़ी रहा है। लास्ट में बता देंगे कि कोविड में लेकिन वापस हमने देखा कि स्टेट इज स्टिल द प्राइमरी एक्टर एंड एटलीस्ट फॉर सिक्योरिटी एस्पेक्ट स्टेट विल रिमेन द सोल एक्टर, ऐसा कुछ कि वो वही है जो हमको सिक्योरिटी प्रोटेक्ट वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि ये हम किसी दूसरे कैपिटलिस्ट के किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर हम लोग अभी दे नहीं सकते, इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और फिर लास्ट में वो थॉमसन का दे सकते हैं कि रिसर्जेंस ऑफ द स्टेट आ चुका है, ऐसा कुछ सेंड कर सकते हैं। मतलब वही हाँ, एक वो भी आ जाएगा उसका लैरी समर्स का भी आ जाएगा कि रिस्पॉन्सिबल, देयर इज अ नीड टू रिवाइव द रिस्पॉन्सिबल नेशनलिज्म, वो जो एक था कोट अमृत सेन और वो वाला कंपेरेटिव वाले में, मैं डाल दूंगा उसको, मुझे थोड़ा याद सा है। तो फिर वो वाला भी है ना कुछ अपना कोई एम्बेसडर जो बोलते हो आप, वी आर मूविंग टुवर्ड्स पुअरर कुछ तो था, हां पुअरर में मीनर फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जो था, हां वो तो याद है, वो मैं भूल गया, आई थिंक कुछ था ना लाइन्स में, शंकर मेनन था ना, शिव शंकर मेनन, शिव शंकर, देयर नीड टू रीबैलेंस बिटवीन सोवरेनिटी, ऐसे कुछ था ना। और ये रिसर्जेंस ऑफ स्टेट किसका था, थॉमसन किसी का था, हेलेन थॉमसन, हेलेन थॉमसन, हेलेन थॉमसन, हेलेन थॉमसन, तो वो कहने की रिस्पांसिबल नेशनलिज्म की बात है, काफी टाइम हो गया, अगली भी आने वाली है, डिनर करना है, चलो और मेरे को लगी दवा की भूख, चलो बाय बाय, मुझे भी आना है, बाय बाय बाय, चलो थैंक यू, थैंक यू। Thank you.
Thank you.